ಕಥನ ಕರ್ಕ ಶಿಂಕನೆ ಆ ಸುಲಭ ಧನು ಮಕರ ಕುಂಭ ಮೀನು ಆ ಕುಂಡಲಿ ಹೈ ಬಡಾ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಹೈ ಕಮಲ್ ಛೇ ಮಹೀನೆ ಕೆ ಅಂದರ್ ಮಂಗ ಭಿ ಔರ್ ಶಾದಿ ಭಿ ಪತ್ನಿ ಬಡೆ ಘರ್ ಕಿ ಮಿಲೇಗಿ ದಿಖನೆ ಮೇ ಅತಿ ಸುಂದರ್ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಮೀಠಿ ಉಮರ್ ಭರ್ ಸಾಸ್ ಕಿ ಸೇವಾ ಕರ್ನೆ ವಾಲಿ ಆಪ್ಕೆ ಮುಂಹ ಮೇ ಘೀ ಶಕ್ಕರ್ ಮೈನೆ ಕಹಾ ಪಂಡಿತ್ ಜೀ कहीं वो ननद से झगड़ा तो नहीं करेगी राम 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 ननद के तो पाँव धो के पिएगी सच्ची हाँ मेरी दक्षिणा सिर्फ 2 ही रुपए शादी में मुंह मांगा दूंगी पंडित जी शारदा पंडित जी के लिए चावल और गुड़ भी लेकर आ बेटी अच्छा माँ अभी लाई देखो संभाल के क्यों डालें कैसी है हमारी हवेली सो सो है गांव के लिहाज से बुरी भी नहीं अंदर से देखोगी तो खुश हो जाओगी आओ ना कमल बाबू तुम नमस्ते पंडित जी एकाएक ही कैसे आ गए अभी अभी तो माँ जी तुम्हारी जन्म पत्री दिखा रही थी मैं तुम्हारी शादी का मुहूर्त निकाल के आ रहा हूँ बहुत खूब पंडित जी पंडित जी इनसे मिलिए ये मेरी धर्म पत्नी है धर्म पत्नी मुहूर्त से पहले ही आ गई राम जी की जय जय राम जी की डार्लिंग ज्योतिष के हिसाब से तुम्हारी दूसरी शादी भी होगी तुम भी ज्योतिष को मानती हो आओ ये सब ढोंग है पैसे कमाने के बहाने माँ अरे बेटा कमल अरे मैं चिट्ठी में खबर लगा जीते रहो मेरे लाल जीते रहो अरे एक दो से कैसा चला है अरे शारदा बाहर तो आज देख कौन आया है अरे शारदा कमल कौन है ये बुझो तो माँ भला कौन हो सकती है ये अरे मैं क्या जानू बेटा मैं बताऊँ भैया हाँ हाँ बता शहर में बड़े बड़े लोग जो सेक्रेटरी रखा करते हैं ना वो ही होगी इंग्लिश भी बोलती हूँ गांव में रहती हूँ लेकिन थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ रखी है मैट्रिक तक तो पहुँच गई थी अरे बेटा बताना कौन है ये देवी जी माँ ये तुम्हारी बहू है बहू माँ भैया तुम्हें भाभी दिखाने के लिए लाए हैं पसंद कर लो ना अरे शारदा ये तुम्हारी भाभी बन भी चुकी है बन चुकी है हाँ माँ मैं शादी कर चुका हूँ हम दोनों कचहरी चले गए थे 2 मिनट में शादी हो गई 2 मिनट में हाँ आजकल 2 मिनट में शादी हो जाती है हाँ माँ माँ बापा को पूछे बगैर अच्छा शारदा नई बहू घर में आई है इन्हें आदर के साथ अंदर ले जा अच्छा माँ जा बेटी जी भाभी आज तुम्हें हवेली का एक एक कमरा दिखा दूँ कमल डार्लिंग जाओगी ना तूने तो अपने मन की कर ली बेटा मगर मैं तो सुहाने सपने देखती रही शनाइयां बजेंगी सेरा बांधकर मेरा बेटा बारात लेकर जाएगा राजा की तरह घोड़े पर बैठकर अपनी रानी को घर लेकर आएगा लेकिन माँ न हिंग लगी न फिट करी तुम्हें तुम्हारी बहू मिल गई और क्या चाहिए माँ को बेटे की खुशी चाहिए बेटा और क्या कपड़े बदल ले बहू पहली बार घर में आई है मैं कुछ मीठा लेकर आती हूँ भाभी इतनी सुंदर चीजें तो मैं पहली बार देख रही हूँ भैया भाभी तो तुमने मुझे प्यारी ला दी मगर ये मत समझना कि बहन का हक कदा हो गया क्या लोगी शारदा बनारसी साड़ी दूंगी भैया बनारसी साड़ी तो मैं खुद नहीं पहनती ये ले लो ना नई भाभी के हाथ से पुरानी चीज मैं नहीं लूंगी जब मैं बंबई आऊंगी ना तुम्हारे घर तब दे देना लो बेटी मुंह मीठा करके दूध पी लो ओह मिल्क मैं तो चाय पीऊंगी अरे हमारे गांव का दूध पियोगी भाभी तो रंग चांदी की तरह निखर आएगा तो क्या मैं तुम्हें काली नजर आती हूँ हो तो नहीं लेकिन अपने मुंह से गोरी भी कैसे कहूँ मेरी नई नई भाभी को नजर नहीं लग जाएगी कमल आई वॉन्ट टू चेंज हाँ हाँ अंदर कमरे में चली जाओ अच्छा
कहो माँ, बहू पसंद आई? मुखड़ा तो बहुत सुंदर है बेटा, दिल की मैं क्या जानू। दिल भी वैसा ही है माँ। भगवान करे ऐसा ही हो। और लोग आया के चल दिए इस जहां में। है? ये कौन आया भाई? जैक्सन एंड कंपनी, मुर्गी और अंडे के थोक व्यापारी। कोई अंग्रेज है क्या? नहीं साहब, हिंदुस्तानी है। लेकिन नाम तो एंग्लो इंडियन है। नाम एंग्लो इंडियन है साहब, लेकिन है हिंदुस्तानी। मुर्गी और अंडों का बहुत बड़ा व्यापार है। मुर्गियां खरीदते हैं, अंडे निकलवाते हैं और बेचते हैं। मतलब ये कि माँ और बेटे दोनों की कमाई खाते हैं। अरे सुन ना, तुम्हारे साहब का इंश्योरेंस हो चुका है? मालूम नहीं। रहते कहाँ? ऊपर पहले माले पे। अच्छा भाई, गुड। अबे अबे गधे, आधा घंटे से पक 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 कर रही है, बस क्यों निकलता है अंडे के लिए? अच्छा जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कमिन जी, मैं आपका पड़ोसी हूँ, इसी बिल्डिंग में नीचे रहता हूँ। जवाब नहीं आपके इस फ्लैट का, लेकिन ये फर्नीचर हिंदुस्तानी मालूम नहीं होते। यू आर राइट, इम्पोर्टेड है। मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? लेकिन आपका नाम? जी मुझे सुंदर कहते हैं। जैक्सन। जवाब नहीं, नाम भी इम्पोर्टेंट है। सुनाओ सुनाओ। शुक्रिया। जैक्सन साहब, आप कहाँ के रहने वाले? मोतीपुर। मोतीपुर, जिला रतलाम? यस, हाउ डू यू नो? जवाब नहीं इस हाउ डू यू नो का भी। जैक्सन साहब, मैं भी मोतीपुर जिला रतलाम का रहने वाला हूँ। आपके पिता का नाम? राम अग्निहोत्री। क्या? बाप का नाम राम अग्निहोत्री और बेटे का नाम जैक्सन? श्रीमान जी, ये पूरब पश्चिम का मिलाप मेरी समझ में नहीं आया। कहीं आप दमयंती देवी के बेटे तो नहीं? ओह यस, शी इज माय मदर, वो मेरी माँ है। अरे जयकिशन, तू मुर्गी चोर? व्हाट व्हाट, शक्ल भी चेंज कर ली और नाम भी बदल लिया, मुझे पहचाना? ओह नो। अरे मैं सुंदर हूँ, तेरे बचपन का दोस्त। तू पड़ोसियों के अंडे चुराया करता था और हम लोग मिलकर खाया करते थे। अरे सुंदर तू, अरे कमान कमान। लेकिन सुन, अब मैं मुर्गी चोर नहीं, मुर्गी का बड़ा व्यापारी हो गया हूँ और अपने अंडों ने तो टाउन में रिकॉर्ड तोड़ रखा है, बड़े में बतख का, छोटे में मुर्गी का, आई मीन कबूतर का। जवाब नहीं तुम्हारा भी और तुम्हारे अंडों का भी। अच्छा जयकिशन, ये तो बताओ, गंगा भाभी भी आई? किसका नाम ले दिया, वो गवार शहर के काबिल ही नहीं है। यार कुछ भी कहो, आखिर वो तुम्हारी पत्नी है। नाम की, मैंने तो घूंघट उठा के उसकी शक्ल तक नहीं देखी। शादी की रात को वो अगले दरवाजे से अंदर और मैं पिछले दरवाजे से बाहर। इसका मतलब तुम गांव गई नहीं? मुझे गांव की लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं है। आई लाइक टाउन लाइफ, टैक्सी, बस, ट्राम, क्लब, डांस, प्रोमोस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा ये बताओ, कुछ जिंदगी का बीमा करवाए? ओह नो, मैं बीमे में बिलीव ही नहीं करता हूँ। जवाब नहीं तुम्हारा, न बीमे में। फिर किसी दिन आकर इन दोनों के फायदे समझाऊंगा। कहो तो खाना भेजूंगा। ओह थैंक यू थैंक यू, बॉय ने तैयार कर दिया होगा। हाँ भाई, तुम्हारे यहाँ नहीं तो और किसके यहाँ तैयार होगा, घर की मुर्गी और घर के अंडे। आपके यहाँ भी भेज दूंगा। शुक्रिया। मुर्गा बोल रहा है, मुर्गा और स्टैंड पे, तो फिर आने दे आज लंच में इसी नालायक को। जवाब नहीं। किसका जवाब है? जमाने का और किसका? क्यों, क्या हुआ जमाने को? अरे गीता, तुमने आलू से आलू का पराठा और गेहूं से गेहूं का आटा तो बनते देखा है, पर जैकिशन से जैक्सन बनते हुए नहीं देखा होगा। क्या मतलब? ऊपर एक साहब रहते हैं, नाम है उनका जैक्सन, मुर्गी और अंडों के व्यापारी हैं। जानती हो वो कौन है? मैं क्या जानू, मैं तो कभी ऊपर जाती ही नहीं। जवाब नहीं तुम्हारा भी और मेरा भी, भोले मर्द की भोली औरत। अरे वो जो अपनी काशी मौसी है ना, वो मेरे गांव की, वो पड़ोसन। हाँ हाँ, अच्छा तो उसका वो जवाई। आपका मतलब गंगा का पति ऊपर रहता है वो? हाँ वही चक्रम। तो क्या गंगा भी आई है? अरे भगवान, यही तो रोना है, कंबख्त ने शादी के बाद ना उसे बुलाकर घर बसाया है और ना कभी कोई चिट्ठी पत्री लिखी।
बेचारी गंगा की किस्मत कैसे निर्लज से वास्ता पड़ा है। चलिए खाना खा लीजिए। पहले ये बताओ सब्जी भाजी क्या बनाई? आलू मेथी की सब्जी और साथ में मूंग की दाल। जवाब नहीं तुम्हारा भी और जो खाए मूंग की दाल सदा रहे खुशहाल। तुम जाके थाली लगाओ मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। अच्छा रहने दो कुछ काम मुझे भी तो करने दो जाओ। अरे सुनो वो गांव से कमल और उसकी मॉडर्न बीवी लौटे या नहीं? इतनी जल्दी कैसे वापस आएंगे? कल ही तो गए हैं, हफ्ते दो हफ्ते रहकर आएंगे। हाँ अरे तुम नहीं जानती हो वो जो उसके साथ फूल झड़ी है ना उसका दिल गांव में नहीं लगने का। तुम देख लेना दो ही। हाँ तेरा हाथ हाथ में आग। आओ शांता मौसी क्या ब्याज देने आई हो? ब्याज भी दे दूंगी भैया और असल भी। इस वक्त तो 100-200 की मदद मांगने आई। 100-200? क्या लड़की लड़के की सगाई है? अब तुमसे क्या छुपाऊं हीरालाल, कमल शहर से शादी करके अपनी मर्जी की बहू ले आया है। हैं? सीधी बहू ही घर पे ले आया है? सत्यानाश हो नए जमाने का। अरे शुभ वचन बोल भैया, आज के लोग पुरानी बातों को नहीं मानते। अब बहू आ ही गई है तो सोचा कम से कम बिरादरी को खाना तो खिला दूं। तो कमल से कहना था खाना भी शहर से साथ ही ले आता। बोल मासी कितने चाहिए? 150 में काम चल जाएगा। तो ले दस्तखत कर। ये 100 और ये 5। पहले ही तुम्हारे मकान पर 6,000 चढ़े हुए हैं। जानती हूँ भैया। अब हो गए 6,150। अच्छा भैया खाने पर हमें बुला रही हो ना? पहले तुमको राम राम। राम राम। अरे रामू बेटा। मौसी कहाँ जा रही है? मौसी कमल बहू लेकर आया है बेटा। अच्छा बिरादरी वालों को नौता देने गई थी, कल सुबह सबका खाना हमारे यहाँ है, तू भी जरूर आना। अच्छा मौसी। और मेरा एक काम कर दे, लोहे वाले सेठों के यहाँ बर्तनों के लिए कह दे। बहुत अच्छा मौसी, और कोई काम हो तो बताना। जरूर बेटा जरूर। जा रहे हो बेटा? बंबई जा रहे हैं माँ, एक जरूरी काम याद आ गया। वापस जा रहे हो? लेकिन मैं तो कल के खाने का सारे गांव को न्योता देकर आ रही हूँ। शारदा पास वाले गांव में बाजे वालों को पेशगी देने गई है। मगर वो किस खुशी में? माँ की सबसे बड़ी खुशी बच्चों का ब्याह होता है बेटी। हम हिंदुस्तानी लकीर के फकीर ही रहेंगे, इधर शादी हुई और उधर ढोल पीटने शुरू हो गए, लड्डू बट रहे हैं, पूरी पर पूरी तली जा रही है और इधर पेट के हाजमे का सत्यानाश हो रहा है। नॉनसेंस बेटी, पुरानी रस्में फिजूल नहीं होती, आपस में मिलने के बहाने होते हैं। और फिर सुख में किसी को शरीक न करे तो दुख में कौन आएगा? सारी उम्र गांव वालों के शादी ब्याह में खाती रही हूँ, क्या उन्हें बुलाऊ? नहीं क्यों नहीं माँ, लेकिन क्या बताऊ मजबूरी है। तो बेटा सिर्फ एक दिन ठहर जाओ, कल शाम की गाड़ी से चले जाना। तो क्या हमारा मुंह देखे बगैर गांव वालों को खाना हजम नहीं होगा? लेकिन बेटी जो दुनिया का दस्तूर है उसे तो निभाना ही पड़ता है। तुम लोग नहीं होगे तो लोग मेरा मजाक उड़ाए। लेकिन हम तो नहीं रुक सकते, इनकी नौकरी का सवाल है, अगर कल तक ना पहुंचे तो नौकरी छूट जाएगी। चलो ना कमू, देर हो रही है। लेकिन शारदा को तो आ लेने दो। ओहो शारदा सुबह ही तो 2 घंटे मेरे साथ थी, मिल तो लिए उससे। चलो डाली। अच्छा माँ चलते हैं, अब आ गया। बहू मेरा आशीर्वाद तो लेते जाओ।
गुड मॉर्निंग मिस मिस्टर कमल मेहरा. थैंक यू. जवाब नहीं मैंने जैसा. हाँ सुंदर बैठो बैठो. अरे सुंदर तुम आज इधर कैसे आ निकले? अरे भाई गीता से पता चला कि तुम गांव से लौटे हो, बस गांव वालों का हाल पूछने चला आया. ये बात तो तुम शाम को घर पे भी कर सकते थे. बस का टिकट खरीद के यहाँ तक आए हो इसमें जरूर कोई बात है. बात तो है प्यारे, देखते नहीं हो 150 रुपए का सूट टैकरोन का पहन के चला आ रहा. अरे हाँ बहुत बड़ा दिल निकाला तुमने. भाई आदमी तो हम छोटे दिल के हैं. बात दरअसल ये है कि सड़क पर से मैं जा रहा था, एक दुकान पर एक टेलर और ग्राहक आपस में झगड़ा कर रहे. अच्छा. वो ग्राहक चिल्ला रहा था कि तुमने मेरे 150 रुपए के सूट का सत्यानाश कर दिया. बस दो बिल्लियों की लड़ाई में मैं बंदर की तरह टपक पड़ा. अच्छा. और 75 रुपए में ये सूट मार लाया. अच्छा. और प्यारे अब ये 75 रुपए मैं तुम्हारे मालिक का इंश्योरेंस करके वसूल कर लूंगा. अगर ये बात है ना तो फिर हाथ धो बैठो. क्यों? क्योंकि यहाँ तो रोजाना सैकड़ों इंश्योरेंस एजेंट चक्कर काट जाते हैं. आदमी आदमी में फर्क होता है मिस्टर. अब तक इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे इनकार करे. अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे मालिक का कमरा कौन सा है? वो है सामने, जाओ और अपनी किस्मत आजमा लो. बस अब तुम देखते रहना, या तो उस कमरे से मेरी लाश निकलेगी या इंश्योरेंस पॉलिसी. अच्छा. आजाद इंश्योरेंस कंपनी, मुझे माफ कीजिए. देखिए मैं आपके एजेंट से पहले कह चुका हूँ कि मुझे इंश्योरेंस में कोई दिलचस्पी नहीं. बार बार परेशान मत कीजिए. कितने बदतमीज लोग हैं ये, कमबख्त फोन पर भी पीछा नहीं छोड़ते. जी मैं बैठ सकता हूँ हुजूर? तशरीफ रखिए. आपकी तारीफ. जी बड़ी दूर से आया हूँ, सांस लेकर अर्ज करता हूँ. तब तक आप भी अपना गुस्सा ठंडा कर लीजिए. ये तो रोज का झगड़ा साहब. ऐसा लगता है दुनिया में हर सड़क पे एक इंश्योरेंस कंपनी है और हर घर में एक इंश्योरेंस एजेंट है. कुमार साहब, देश की आबादी के साथ हर चीज बढ़ती जा रही, लोग पैदा भी खूब होते हैं और मरते भी खूब. अब कल ही की बात है, हमारे पड़ोस में एक आदमी मरा. 3 लाख की इंश्योरेंस थी और सिर्फ 16,000 रुपए की पहली किस्ती भरी थी. अब आप ही कहिए, है ना कमाई का धंधा? मरने के बाद जो कमाई हो उसका क्या फायदा? अजी साहब, जीता रहता तो बुढ़ापे में ऐश करता, अब उसके बाल बच्चे मौजूद आएंगे. और आजकल इंश्योरेंस करने में लगता ही क्या है, अगर आपको 25 साल के लिए 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाना हो तो कुल 7,500 रुपए साल का बीमा भरना पड़ेगा. और 7,500 रुपया हुजूर आपके जूते की धूल है. फॉर्म निकालू? कहेगा जी इंश्योरेंस का. ये देखिए मेरा कार्ड. तो तुम भी इंश्योरेंस एजेंट हो? जी आज से नहीं, पिछले एक दर्जन साल से, मेरा मतलब है 12 साल. जी मैं चाय घर से पीकर आया हूँ, तुम मेरे लिए एक ग्लास पानी लियाओ. जाओ. कुमार साहब आप तकलीफ क्यों करते हैं, मैं चाय सिर्फ एक बार पीता हूँ सवेरे. बॉय जी आप जाइए ना. जी तुम यूं नहीं मानोगे, लातों के भूतों बातों से नहीं मानते. उठाओ कुमार साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? उठाया जी बैग. कुमार साहब कपड़े मेरे. कुमार साहब कपड़ों से तो सिर्फ धोबी खेलते हैं. मगर धोबी घरों के साथ यही सलूक है. मगर दुनिया क्या कहेगी? ऐसे का जी समाज क्या कहेगा? वही जो मैं कहता हूँ. मेरा चक्करों का कोट है कुमार बाबू, मेरा कॉलर छोड़ दीजिए वरना कलफ उतर जाएगी. मैं कहता हूँ जाते हो कि नहीं? जवाब नहीं. कृष्ण सुदामा के बाद हमारी दोस्ती का बचपन की दोस्ती है ना. भाड़ में क्या बचपन जी, वो तो कब से गया हुआ है. लेकिन कॉलर तो छोड़िए. कैसे छोड़? ठीक है अगर आप मजबूर करते हैं तो चलिए अंदर चल के चाय पी लेता हूँ. हद हो गई बेशर्मे की. आई से गरम. अरे बड़े खुशकिस्मत लोग हो तुम सब. क्या मालिक मिला है तुम लोगों को, क्या इंसान, व्हाट अ मैन. 10 साल बाद जो मैं इसको मिला वही बच्चों जैसे मिलता है. बचपन में मैं ऐसे खूब मारा करता था, आजकल मुझसे बदले निकाल रहा. कुमार प्यारे मेरे राजा. हाँ कुमार बाबू अब मंगवा दीजिए चाय, मैं आपका दिल तोड़ना नहीं चाहता. ओहो तुम फिर आ गए. भीड़ मैंने बहुत से देखे लेकिन तुमसे नहीं देखा. अजी देख भी कैसे सकते हैं, मेरे पैदा होते ही दूसरे दिन मेरी माँ चल बसी. अपने ढंग का ये एक ही नमूना है आपके सामने. कहिए फॉर्म निकालू? बैठो जी. बैठो. खुश शुक्रिया. नाम क्या तुम्हारा? जी वैसे हिंदी में लोग मुझे सुंदर कहते हैं और अंग्रेजी में बहुत काम के आदमी हो और काम के लिए ढीठ होना भी पड़ता है. वाह 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 जवाब नहीं है आपका. एक काम करो. जी.
जी दो दो करूंगा, लेकिन गेट आउट के लिए ना कहिए। नहीं नहीं, मैं 20 लाख की एक लिमिटेड कंपनी खोलने जा रहा हूँ। आई सी। उसके शेयर्स बेचने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जी जरूर करूंगा, लेकिन मेरा कमीशन क्या होगा? कमीशन 2%। 2%? इज इट ओके? जी ओके, मुझे मंजूर है, लेकिन कुमार बाबू एक शर्त है। बोलो। आपको इंश्योरेंस की पॉलिसी लेनी होगी। मंजूर। तुम कल सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस में आ जाओ। बस समझ लीजिए आ गया। मैं तुम्हें सारी स्कीम समझा लूंगा। ओके बॉस। ओके। कुमार बाबू एक छोटी सी तकलीफ और उठाएंगे। बोलो। मुझे थोड़ी सी इज्जत बख्श दीजिए। मैं कुछ समझा? जी अभी अभी आपने अपने स्टाफ के सामने मेरी इज्जत का भाजीपाला करवाया था, और आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि बड़े आबरूदारू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अरे भाई चाय तो पी ली मैंने, अब खाना कल आके खा लूंगा। चाय वाय सब समझे राजा, अगर तुम खाना खाने नहीं आए तो मेरा दिल टूट जाएगा। जी जरूर आऊंगा। अच्छा धन्यवाद। ओके प्यारे। बहू। जी पिताजी। सुंदर अभी तक नहीं आया? आते ही होंगे पिताजी। तू उसके लिए कब तक भूखी प्यासी बैठी रहेगी? जाके खाना खा ले बेटी, जा बेटी। मुझे अभी भूख नहीं पिताजी, उन्हें खिलाने के बाद खाऊंगी। राम जाने आज काम चला गया। वो भी नहीं आए क्या? आए तो नहीं वो। बैठो ना, आजकल के मर्द सभी ऐसे होते हैं। खाना खा लिया तुमने? ये भी कोई पूछने की बात है? जब तक पति न खाए पत्नी के गले से निवाला कैसे उतर सकता है? भाई अपना गला तो ऐसा नहीं है। आ गए तुम, ये घर आने का वक्त है, आज बाहर ही सो गए होते। कुछ तो सोचो डार्लिंग, गीता भाभी खड़ी है। अच्छा भाभी मैं चली। हो गई है क्या? गुड मॉर्निंग गीता जी। गीता मेरे लिए फौरन नाश्ता ले आओ, मुझे भूख लग रही है। नाश्ता? हाँ। पहले डिनर तो खा लीजिए। डिनर? गांव की लड़की समझकर क्यों नाटक रचा रहे हो? जूते बगल में है या अंदर रस्ती में? जूते? तो इसका मतलब ये है कि बिल्ली ने कबूतर को देख लिया। माफ करना गीता, मैं आज सिनेमा चला गया था। सिनेमा? अपनी जेब से नहीं, वो तो कमल पर हाथ साफ किया। देखो गीता, ऐसे प्यारे प्यारे मुखड़े पर गुस्से की लहर न लाओ। मैं गुस्सा कब कर रही हूँ? मैं तो कहती हूँ भूखे मत सोइए, चलिए खाना खा लीजिए। तुमने खाया? तुम्हारे बिना मैं कैसे खा लेती? तो चलो जल्दी चलो। मोना डालिंग, अब भगवान के लिए खाना लाओ। तुम्हारी कसम अब सिनेमा कभी नहीं जाऊंगा। मैंने कब कहा कि सिनेमा ना जाइए? जाइए मगर मुझे साथ लेकर। हमेशा तो लेकर जाता हूँ डार्लिंग। तो क्या एहसान करते हैं? आज पहली तारीख है,
तनख्वाह कहाँ है? अरे गीता, वो मेरी जेब से पैसे तो निकालना, मैं बातों बातों में पैसे देना ही भूल गया। ओहो, आप आराम से पहले खाना तो खा लीजिए, पैसे कहाँ भागे जाते हैं। 300 रुपए घर का खर्च, 250 रुपए साड़ियों का बिल और 150 रुपए घर का किराया। 2-3 महीनों से माँ को कुछ नहीं भेजा। शादी से पहले तो हर महीने 50-75 भेजता रहा हूँ। इस दफा उन्हें कुछ न कुछ जरूर भेज देना चाहिए। हाँ, भेज देना चाहिए। कहाँ से भेज देना चाहिए? ये भी सोचा है कि यहाँ बचा ही क्या है। अभी तो फर्नीचर और पियानो का बिल चुकाना है, जग्गू की तनख्वाह देनी है। अरे हाँ, और मालती से जो पैसे उधार लिए हैं वो भी तो देने हैं। ओफो, वो सब बाद में देती रहना, इस वक्त खाना तो लगवाओ। मेरा तो ख्याल है जग्गू बर्तन साफ करके सो भी गया होगा। वाह, क्या घर है, आज तुमने मुझे भूखा मार दिया। मौसी, अरे वो काशी मौसी। हाँ हाँ, क्या है? क्या है भैया? तेरी चिट्ठी। मेरी चिट्ठी? गंगा, जरा लेकर पढ़ दो। मैं पढ़ दूँ? क्यों भाई, तुम क्यों पढ़ोगे? मैं पढ़ना नहीं जानती क्या? ला, मैं पढ़ दूँ। किसकी चिट्ठी है? अभी बताती हूँ माँ। काशी मौसी को प्रणाम। मौसी, मैं सुंदरलाल तुम्हारे पड़ोसी राम प्रसाद का लड़का हूँ। तुम्हारा जवाई जय। अरे पढ़ना क्या है जवाई? भैया जरा पढ़ दो तो। मैंने तो पहले ही कर दिया था, मैं पढ़ दूँ। हाँ सुनो, तुम्हारा जवाई जय किशन बम्बई में है और जिस मकान में मैं रहता हूँ उसी के ऊपर वाले हिस्से में वह रहता है। तुम चिट्ठी देखते ही गंगा को साथ लेकर ऊपर लिखे हुए पते पर बम्बई पहुँच जाओ। तुम्हारा शुभचिंतक सुंदर लाल। बधाई हो मौसी, बधाई हो, तुम्हारा जमाई का पता मिल गया। भैया तुमको भी बधाई हो, भला हो बेचारे सुंदर लाल का, नहीं तो जय किशन का पता कैसे मिलता। अब मेरी गंगा का घर बस जाएगा। गंगा, वाह 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 वाह, क्या पूरी भाजी बनाई, जवाब नहीं तुम्हारा। और ये नींबू का अचार, आहा, जादू है तुम्हारे हाथों में। क्या करूं, ऑमलेट बनाना तो मुझे आता नहीं। शुक्र है भगवान का तुम्हें ऑमलेट बनाना नहीं आता, वरना आज तक मेरा ऑमलेट बन गया होता। वो अपने पड़ोस में कमल बाबू और उनकी मेम साहब मोना रहती है ना, उनके घर रोजाना अंडे भी टूटते हैं और सर भी फूटते हैं। किसी को पूरियों की खुशबू आ गई। गीता, ये थाली जरा उधर ले जाना, मैं देखा हूँ कौन आया। कौन? काशी मौसी। जीते रहे बेटा, जीते रहे। गीता, मेरी थाली वहीं रहने दो। ये कौन है? अरे तो पगली भाई से घूंघट करती है। नमस्ते भैया। नमस्ते, आइए आइए ना। गीता देखो, गांव से काशी मौसी और गंगा बहन आई। अच्छा, कौन सी गाड़ी से आई? आने की खबर भी नहीं दी आप लोगों ने। देखती रहो बेटी। अरे खबर कैसे देती, मैं तो चिट्ठी पाते ही चल पड़ी। हाँ ये तो बताओ, तुम लोग कैसे हो? अच्छे हो? दया है मौसी तुम्हारी। अरे गंगा बहन, अरे तुम शर्मा क्यों रही हो भाई, ये तुम्हारा ही घर है। सुंदर, तेरा घर तो बड़ा ही अच्छा है, जैसे किसी राजा महाराजा का महल लगता है। महल क्या कहे मौसी। अब बैठो भी ना, अगर यहाँ नहीं बैठना तो आओ मेरे साथ डाइनिंग रूम। सही कर रहा था। गीता भाई, इन दोनों के लिए भी कुछ लाओ ना। ना बेटा, हम दोनों स्नान पूजा करके फिर बाद में गीता के साथ नाश्ता कर लेंगे। अच्छा अच्छा, पर बैठ तो जाओ। हाँ बैठ, बैठ ना। मौसी है? मैं खा लूँ? हाँ खा बेटा खा। सुंदर, तुम्हें चिट्ठी में क्या लिखा था? जय किशन कहीं यही रहता है? रहता तो यही है। हाँ। पर अब वो जय किशन से जैक्सन बना हुआ। क्या उसने अपना धर्म बदल दिया? धर्म तो नहीं, पर कर्म जरूर बदल दिए। तो उसे पता चल गया कि हम दोनों यहाँ आ रहे हैं? ना 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 ना, अगर उसे पता चल गया तो गंगा बहन उम्र भर मायके ही बैठी रहेंगी। अरे राम। वैसे अब तुमसे क्या छुपाए मौसी, मैंने और गीता ने मिलकर एक उपाय सोचा है। क्या? बुरा ना मानना। नहीं भाई, जैसा देश वैसा भेष। बिल्कुल ठीक। जय किशन की चमड़ी तो देसी है, पर उसने अपनी देसी चमड़ी पर विदेशी पाउडर लगा रखा है। वो कैसे? अरे गांव की लड़की को तो वो बुद्धू समझता है।
उसे अगर कहो कि मूंगफली खाएगा तो फौरन नाक पर रुमाल रख देता है, और अगर यही बात उसे अंग्रेजी में कहो कि मंकी नट खाएगा तो बंदर की तरह दुम हिलाकर खाने लगता है। इसलिए तुम समझ लो मौसी, गंगा जब तक गंगा है इसका घर बसाना मुश्किल। तो बेटा गंगा तो नहीं बदल सकती। अरे कैसे नहीं बदल सकती, आजकल हर एक चीज बदल जाती है। मैं चाहूँ तो तुमको भी बदल दूँ। तुम क्यों हंस रही हो भाई, तुम अंदर जाना। वाह भैया, मेरी बात हो रही है और मैं न सुनूं। चल भाभी अंदर चल, मुसी को बात करने दे। जा गंगू जा, चलो ना। सुनो मौसी। हाँ दादा। मतलब तो आम खाने से, हाँ, गुटलियां गिनने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। गंगा मेरी बहन जैसी, हाँ, मैं चाहता हूँ वो बेचारी सुखी हो जाए। हाँ बेटा। थोड़े दिनों के लिए मैं एक नाटक रचूंगा, हाँ, जिसमें तुम्हें और गंगा को मेरा साथ देना होगा। हाँ बेटा जरूर साथ दूंगे। बात बाहर ना जाए। नहीं, बात बाहर कैसे जाएगी, तुम जैसा करोगे बेटा मैं वैसे ही करूंगी। मैं तो सिर्फ बेटा ये चाहती हूँ कि मेरी गंगा का घर बस जाए, तो मैं हरिद्वार चली जाऊं। अरे जरूर बसेगा मौसी, जरूर बसेगा। ला 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 ला। कमल। यस डार्लिंग। अभी तक तैयार नहीं हुए क्या? सिनेमा का वक्त निकला जा रहा है। तैयार हूँ डियर। तो फिर चलिए ना। चलिए। दो हंसों का जोड़ा किधर चला रे। अरे आइए आइए लोटस बाबू, मेरा मतलब है कमल बाबू। आज कैसे आ गए यहाँ? पिक्चर जा रहे थे, सोचा तुम्हें और भाभी को भी साथ लेते ही चले। कौन सी पिक्चर देखने जा रहे हैं? बड़ी अच्छी फिल्म है, मदर्स हार्ट। अंग्रेजी फिल्म? मुझे तो शौक नहीं है। देखा क्या कहा था मैंने? तुम चले भी चलो सुंदर। मदर्स हार्ट यानी माँ का दिल। अरे भाई अगर माँ का दिल ही देखना है तो टिकट खरीदने की क्या जरूरत है? माँ का दिल तो संतान के अंग अंग में होता है। मैं तो जब कभी बीमार पड़ता हूँ मुझे तो अपनी स्वर्गवासी माँ के दिल की धड़कने सुनाई देती। लीजिए, इन्होंने तो अपनी राम कहानी शुरू कर दी। अरे भाभी कहानी तो सारे जगत की एक ही है, सिर्फ एक्टर बदलते रहते हैं। सुंदर आज तो बड़े मूड में हो। अरे भाई हमारा क्या है, हम तो ना सावन हरे ना भादो सूखे। अच्छा तो फिर अब हम। हाँ चले। अरे कुछ चाय? इस वक्त चाय शरबत कहाँ पिला रही हो, इस वक्त तो सिनेमा का टाइम हो रहा है। क्यों कमल? देखा है नहीं देखा। चलो जा रही। चलो भाई सुंदर। अच्छा कमल भैया माँ का दिल देखने गए, लेकिन अपनी माँ के दुखी दिल का कभी ख्याल नहीं करते। मैं चक्की पीसूंगी, मेहनत मजदूरी करूंगी, लेकिन बेटे के आगे झोली नहीं फैलाऊंगी। तो मौसी क्या इस महीने भी कुछ न मिलेगा? तुम तो कहती थी कमल का मनी ऑर्डर आने वाला है। मनी ऑर्डर तो दूर रहा, चिट्ठी तक नहीं आई। सोच ले मौसी, 6 बरस हो गए हैं, अब तो किताब में मकान बराबर हो जाएगा। थोड़े दिन और ठहर जाओ, नहीं तो घर नीलाम कर दे। देखो मनी ऑर्डर आया है, जरूर भैया ने भेजा होगा। बधाई हो मौसी, सोई हुई किस्मत जागो ठीक। नहीं नहीं शांता मौसी, आपका मनी ऑर्डर नहीं है। मैं तो ये पूछने आया था कि इस गांव में हरनाम दास कौन है। हरनाम दास कहाँ से आया है मनी ऑर्डर? शहर से, किसी सुंदरलाल ने भेजा है। हाँ हाँ हरनाम दास वो सुंदरलाल का दूर का रिश्तेदार है, वो टीले के पीछे वाले मकान में रहता है। अच्छा मौसी, राम राम। राम बाबा राम राम। माँ एक सुंदर भैया है जो अपने दूर के रिश्तेदारों की मदद करता है, और एक मेरा भैया है जो भूल के भी अपनी माँ बहन खबर तक नहीं लेता। वो जाने और उसका काम बेटी। बेटा कैसा भी हो माँ का दिल तो उसे सोते जागते आशीष देगा। डार्लिंग। क्या पढ़ रहे हो? नॉवल पढ़ रहा हूँ, इतवार का एक ही दिन तो मिलता है पढ़ने को। लेकिन अगले इतवार तक नॉवल खत्म कर लेना। क्यों? डार्लिंग सोसाइटी में इज्जत नहीं होगी क्या? और फिर आए दिन तुम दफ्तर लेट पहुँचते हो, वो वक्त भी तो बचेगा। टाइम इज मनी डार्लिंग। मिसेस कपूर बाहर बैठी है, मैं हाँ किए देती हूँ। सोच लो डार्लिंग।
ओफो, इसमें सोचने की क्या बात है। मेरी हर सहेली के पास कार है और एक मैं ही टैक्सी सवार हूँ। हाँ कह दूँ ये रसीद डाली। अच्छा तो मिसेस कपूर कल से गाड़ी हमारे नाम ट्रांसफर कर दीजिए। अच्छा तो मेहरा साहब मान गए क्या? दो मर्द को मनवाना औरतों का काम है, लेकिन रुपए मैं सहूलियत से दूंगी मिसेस कपूर। ओ डार्लिंग, रुपए क्या तुमसे ज्यादा प्यारे हैं? क्यों मिसेस प्रेम? हाँ हाँ ठीक है तो कह रही हूँ। अच्छा तो मैं चलूँ? अच्छा ओके, आज शाम को क्लब आ रही हूँ। हाँ हाँ जरूर आ रही हूँ। बाय बाय। बाय बाय। बाय। हो गया सौदा? डार्लिंग सौदे की क्या बात है, बेचारी मोहब्बत में अपनी कार दे रही है, वरना उसे तो 9000 नग मिल रहे थे। डार्लिंग मेरे नाजुक है भाभी। हाँ हाँ ठीक है अब बोलो। नो नो यस यस हैप्पी हैप्पी डे बर्थ डे बर्थ नहीं बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। हाँ इसका मतलब होगा जन्मदिन मुबारक हो। अच्छा ये है ऊंची एड़ी के जूते, ये लो पहनो। अब तुम गांव की गवार लड़की नहीं हो, प्योर आई हो और मॉडर्न लेडी हो, बिल्कुल मेम साहब समझी? समझी। ये हैंडबैग इस हाथ में, ये अम्ब्रेला इस हाथ में, अम्ब्रेला को यूं हिलाओ और ये है चलने का स्टाइल यूं। अब कीजिए। गुड हेलो ब्रदर, हैप्पी बर्थडे। माफ करना, तुमने अपने पैदा होने का डेट इतना लेट बताया था कि अपने को प्रेजेंट खरीदने का टाइम ही नहीं मिला। और ये क्या? ये है स्पेशल प्रेजेंट, स्पेशल एंग्लो इंडियन मुर्गा। अच्छा तो तुम यहाँ भी मानती है ये मुर्गा बीमार तो नहीं? क्या बात कर रहे हो, डेली सुबह शाम ग्लूकोज के 2 इंजेक्शन लेता है। बैठो ना भाई। थैंक यू। वो फटाफट मुर्गा मुर्गा। थैंक यू थैंक यू। अरे वाह ऑल इंडियन स्वीट। गीता जी आप जरा उन मेम साहब को भी बुला देना ताकि चाय शुरू करें। अच्छा जाइए जाइए। ये मेम साहब के क्या चक्कर है भाई? एक मेहमान है तुम्हारी जात वाली। हेलो हेलो सुंदर, many many happy returns of the day. बैठो जैक्सन। ओह हियर। बैठो। थैंक यू वेरी वेरी मच। तुम बड़े बदतमीज हो भाई, हमारा इंट्रोडक्शन। अरे हाँ जैक्सन, ये है मिस गेंजिस और ये है मिस्टर जैक्सन। हाउ डू यू डू मिस गेंजिस? कितना ब्यूटीफुल नाम है। नहीं व्हाट, सिर्फ हमारा नाम ब्यूटीफुल है और हमारा सूरज। अरे वाह कितना जल्दी हमारा मिस्टेक पकड़ा तुम। अरे सूरत तो नाम से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। थैंक यू। ओह इट्स परफेक्टली ऑलराइट। ब्रदर सुंदर तुमने पहले कभी इनका जिक्र किया ही नहीं। अरे भाई क्या बताऊं, पिछले 2 साल से तो ये फ्रांस में थी। फ्रांस? फ्रांस इज ए लवली टाउन। आप कभी गए हैं वहाँ? जी मैम, वो क्या है कि वो हाँ पासपोर्ट की तकलीफ की वजह से 2 मरतबा पेरिस जाकर लौट आया, फ्रांस नहीं जा पाया। अच्छा हाँ, लेकिन आप इतना अच्छा टाउन छोड़कर इंडिया में कैसे आ गए? जी वो क्या कहें, ये बड़ी दुख भरी कहानी है। अच्छा भाई 2 बरस हुए एक बड़े रईस घराने में इस बेचारी की शादी हुई थी, वो इसे फ्रांस भी ले गया और 2-4 महीने बाद छोड़ दिया। कोई बहुत ही घटिया क्वालिटी का आदमी मालूम होता है। नहीं अरे भैया आदमी की अकल पर पत्थर पड़ते देर लगती है, देखो ना क्या कमी है इसमें। कमी और इसमें परफेक्ट। अरे क्या बनाया है बनाने वाले ने, जल्दी पियाने दो। थैंक यू। मिस्टर सुंदर यस, तुम उस नालायक का मुझे एड्रेस दे दो, बाय गॉड मैं उसको टेलीग्राफिकली गोली मार दूंगा। डार्लिंग सॉरी 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 रियली सॉरी। गेंजेस तुम उसको छोड़ दो, आई मीन डाइवोर्स कर दो। अरे यही तो रोना है ना, तो वो इसके साथ घर बसाता है ना ही इसको छोड़ता है। तो फिर वो घटिया क्या? महा घटिया क्वालिटी का आदमी है मिस्टर। क्या कह रहे हैं भैया? बिल्कुल ठीक, अरे थर्ड क्लास खानदान का है। गीता जी ये उसके खानदान को गाली दे रहे हैं। गाली नहीं तो क्या उस गधे को इनाम देना? प्लीज डोंट गाली दो, आखिर वो हमारा पति है। देखा देखा आखिर है ना हिंदुस्तानी लड़की, पति चाहे कितना भी खराब हो
लेकिन पत्नी उसकी बुराई नहीं सुन सकती। व्हाट पति? मैं अगर इसका पति होता तो इसका डॉग बन कर रहता। अब दूसरी शादी के बारे में तुम्हारा क्या आइडिया है? अबाउट सेकंड मैरिज? ओह नो! अरे मगर तुम रोता क्यों है? हम तुम्हारे दिल दुखाने के वास्ते बात नहीं बोले। प्लीज कैंडी। जसम भाई ठीक है ठीक है। अरे हमने मोम की गुड़िया का दिल तोड़ दिया। सुंदर तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशन है? यार मेरा कोई रिश्ता नहीं है इसके साथ, मेरे दोस्त के रिश्तेदार है। लेकिन उस बेचारे की किस्मत तो देखो। तुम इसकी किस्मत को छोड़ो, हम बनाएगा। लेकिन तुम इसको जरा वापस बुलाओ ना प्लीज। नहीं जैक्सन, अब फिर कभी। प्लीज प्लीज। नहीं फिर कभी कहा ना। फिर कभी। अच्छा याद आया, सुंदर कम हियर, हमारी टोटल मुर्गा मुर्गी का तुम इंश्योरेंस कर डालो। ना 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 ना, आजकल कंपनी ने जानवरों का इंश्योरेंस बंद कर दिया, सिर्फ आदमी। तो हमारा करो। तुम्हारा? तो फिर आदमी होने का सबूत देना होगा। अरे भैया जो मनता है ले लेना। अच्छा बिस्मिल्लाह, मैं जरा गेंजर को टाटा बोल के आता हूँ। भैया मैं बोल दूंगी। हाँ भैया मैं बोल। तुम बोल दोगे? अच्छा तुम भी बोल देना। हाँ बोल। टाटा निकल गया था, सॉरी। हाँ अच्छा टाटा। मुझे भी दे दे। अच्छा मोना, ये लो कार की चाबी, आज से कार तुम्हारी है। पहली कार मुबारक हो मोना। थैंक यू। मोना तुमने तो मिसेस कपूर की गुड लक छीन ली। अच्छा हुँ? कैसे? अरे हाँ, ये इसी कार में तो जा रही थी जब मिस्टर कपूर ने इन्हें पहली बार देखा, और देखते ही बेचारे दिल दे बैठे। और देख जरा गला साफ करके। हाँ अच्छा।
मोना, इतना शोर, जरा तो सोचा होता कि सामने के कमरे में मैं बीमार पड़ा हूँ। तो बुड्ढा, हमारे पड़ोसी सुंदर का बाप बीमार है। और सीता जैसी बहू सेवा के लिए घर में हो, वो अस्पताल क्यों जाए? अरे वाल्मीकि है वाल्मीकि, पुराने आदमी है, जानते हैं कि जब शमशान नजदीक है तो अस्पताल का खर्चा क्यों। मोना बेटी, भूल मैंने की जो तुम्हारे घर में पांव रखा। कमल मेरे गांव का है, मेरे बेटे के समान है। मैं तो तुम लोगों को अपना समझ के यहाँ आ गया था। अच्छा हुआ कि अपनी भूल जल्दी समझ गए। आप बीमार हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम सब लोग दवाई पीकर लेटे रहे। जाओ बाबा जाओ, मोहना ने अभी नई गाड़ी ली है, किसी दिन गुस्से में आ गई तो तुम्हें अपनी गाड़ी के नीचे ले बैठेगी। जाओ अपने बिस्तर पर लेटो। हाँ हाँ, क्यों मरने चले हो? पिताजी पिताजी, ये क्या हो रहा है मोहना भाभी, किसके मरने की बातें हो रही हैं? कुछ नहीं बेटी, बहुत शोर हो रहा था, मैंने जरा चुप होने के लिए कहा तो मुझे मरने मारने का राग सुना रही हैं। मोहना, ये इज्जत की तूने मेरे ससुर की, क्या इनमें और तेरे बाप में कोई फर्क है? देखो गीता, हमारे रंग में भंग न डालो। तुम लोग ना तो खाते हो, ना किसी को खाते देखकर तुम्हें चैन पड़ता है। हमने गाड़ी ली है तो दिल जवाब हो गया होगा। किसी की खुशी देखकर दिल उन लोगों के जलते होंगे जिन्होंने कभी खुशी देखी ना हो। हम तुमसे गरीब सही लेकिन सुखी ज्यादा है। हमारे दरवाजे पर कोई कभी कर्ज मांगने वाला नहीं आया, दूध वाला किराया वाला कभी ऊंची आवाज से नहीं बोला। तो क्या हमें सारी दुनिया का देना है? बीमा एजेंट की बीवी तू मेरे मुंह लगती है? ठीक, कैसे पड़ोसी है तेरे? तेरी जगह अगर मैं होती तो एक दिन में मकान बदल देती। चुप कर लगती, तेरे जैसे औरतों का क्या, मकान तो मकान, तुम तो अपने सुहाग का मालिक भी बदल लो। ये हाथ यहाँ काम नहीं आने वाले। इन हाथों ने उम्र भर मेहनत की है, माँ बाप सास ससुर की सेवा की है, अपने मर्द के सिवा ये हाथ किसी के हाथ से छुआ नहीं। छुड़ा हाथ छुड़ा, बहुत कबाब खाए होंगे तूने, आज जरा दाल खाने वाले की ताकत भी देख। गीता बेटी, बात आगे ना बढ़ा, कमल और मोहना मेरे बच्चे जैसे, छोड़ दे। छोड़ती है कि नहीं? पिताजी, सबके आगे आपकी पगड़ी उछालने वाली का खून ना पी जाऊं तो मैं हिंदुस्तानी बहू नहीं। बेटी ये मेरा हुक्म है, छोड़ दे। बच गए। मोना, आज तुम्हारे घर पर मेरी बहुत बुरी तरह इंसल्ट हुई है। आई एम वेरी सॉरी मिसेस कपूर। कमल को आ लेने दो, अगर इन लोगों को मेरे नाको चने नहीं चबवाए तो मेरा नाम भी मोहना नहीं। अच्छा, तो इतनी लंबी जबान हो गई है गीता की, अभी समझ लेता हूँ। अरे तुम क्या समझोगे, पहले मैं तुम्हें समझ लू। क्यों मोना भाभी, मजाक उड़ाने के लिए मेरा बाप ही रह गया था और कोई नहीं मिला था? सुंदर, तुम भी अपनी बीवी की तरफदारी करने आए हो? जानते हो गीता ने मोहन और उसकी सहनियों की कितनी बेइज्जती की है? अरे रोना तो इसी बात का है कि बहुत कम की है, बाकी जो कसर रह गई उसे मैं पूरा करने आया हूँ। झगड़ा तो तुम्हारे पिताजी ने मोल लिया था। किसी से हाथ जोड़कर विनती करने को तुम झगड़ा जाते? वो अपना समझकर यहाँ आए और मोहना और उसकी सहनियां उन पर इस तरह झपट पड़ी जैसे किसी नए आदमी पर अल्सेशन कुत्ता भौंकता है। तुम अगर माँ बाप की कीमत जानते होते तो किसी के बाप की इज्जत पर यूं हाथ न डालते। बाप तुम्हारा तुम्हारे गम में मर गया और माँ तुम्हारे गांव में 21-30 का दिन काट रही है। अच्छा, एक और छुट्टी तो मत लगा रहे हो, माँ को हर महीने हम मनी ऑर्डर नहीं भेजते? हाँ हाँ भेजती होगी, लेकिन उस पर पता अपने माँ बाप का लिखती होगी। देखा डार्लिंग, ये तुम्हारा दोस्त है? अरे यहाँ कौन किसी का दोस्त है, आज के बाद ये और सांप दोनों इकट्ठे मिल जाए तो पहले मैं इसका सर तोड़ूं बाद में सांप का। शैतान सुंदर, अबे हट, तेरी धमकियों से तो डरने वाला नहीं है, चलो दोनों चलकर मेरे बाप से माफी मांगो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हमारी जूती माफी मांगती है। अच्छा तो कल से मैं भी एक देसी जूता खरीदता हूँ, बड़े बड़े किले वाला। मार मत, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ के एक कर दूंगा। अबे जा, बहुत देखे तेरे जैसे हड्डी पसली तोड़ने वाले, जोरू का गुलाम। बुला पुलिस को, अगर पुलिस ने मिलिट्री को बुला ले, यहाँ पर डरने वाला नहीं है। बस बस ये क्या कर रहे हैं आप, चलिए घर चलिए, आखिर कमल भैया आपके दोस्त है, चलिए ना। हाँ हाँ, सारा कूड़ा करकट फेंक कर अब सती बनने आई है। चुप रहो मोना भाभी, गीता को अगर कुछ कहा तो सुदर्शन चक्कर चला दूंगा। देखो कमल, आज से न तुम मेरे दोस्त न मेरा कोई तुमसे वास्ता, और अपनी इस मॉडर्न अलिफ लैला को भी समझा देना
आइंदा अगर इसने कोई ऐसी हरकत की तो गली मोहल्ले से गुजरना बंद कर दूंगा, समझे? चलो गीता। देखा, एक वो भी मर्द है जो अपनी औरत के लिए जान पर भी खेलने को तैयार है, और एक तुम हो जो अंग्रेजी में शटअप कह के औरतों की तरह उसकी गालियां सुनते रहे। और करता भी क्या, माँ के बारे में जो कुछ भी सुंदर ने कहा सच्ची तो है। अच्छा, तो मैंने माँ को यहाँ आने से रोक रखा है, कल ही बुलवा लो ना। किस मुँह से बुलवाऊँ, अपना तो यहाँ गुजारा होता नहीं। तो मैं सारी उम्र पड़ोसियों के ताने सुनती रहूँ, दिखावे के लिए बुलवा लो ना। हाँ, मगर रुपए कहाँ है, उसे बुलवाने के लिए किराया भेजना पड़ेगा। सभी कुछ तो है उसके पास, है नहीं तो खाती कहाँ से। नहीं बुलाना तो मत बुलाओ, मुझे कौन सी सास के हाथ की रोटियाँ खानी है। भाभी की चिट्ठी आई है माँ, भैया बहुत कम बीमार है, खत मिलते ही रवाना होने के लिए लिखा है। क्या कमल बीमार है, मेरा बेटा बीमार है, अरे भगवान दया करना, एक ही चिराग है घर का, क्या बीमारी लिखी है। बस इतना ही लिखा है कि सख्त बीमार है, सोते जागते माँ माँ पुकारते हैं। दुख में बच्चा माँ को नहीं याद करेगा तो और किसको याद करेगा। जल्दी चलने की तैयारी। माँ खाना तो खा लो। अरे यहाँ मेरे प्राण सूख रहे हैं और तू खाने की कह रही है, मुझे इस अनाज की सौगंध, जब तक मैं अपने बच्चे की सूरत ना देख लूं मेरे लिए खाना हराम है, पीऊं किराए के लिए। चल जल्दी कर, चल। खबर तो देनी थी, चिट्ठी तो लिखी होती माँ। अरे तुम अच्छे तो हो। हाँ माँ। ओहो, ये सारी बातें बाहर ही होंगी, अंदर तो चलो। चलो माँ, चलो। आओ माँ, आओ शारदा। यहाँ रहते हो भैया? हाँ। इतना अच्छा मकान है ना माँ? अब कैसी तबीयत है बेटे, क्या बीमारी थी मेरे लाल? बीमारी? मुझे तो कोई बीमारी नहीं, मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ माँ। मैं बताती हूँ जी, माँ को बुलवाने के लिए आपकी बीमारी का खत मैंने लिखा था। क्या? तो भाभी तुमने झूठा खत लिखा था? क्या मुझसे मजाक करना था? मजाक नहीं माँ जी, आपको यहाँ बुलवाना जो था। तो क्या माँ बेटे से मिलने उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक वो बीमार ना हो? मोहना, तुमने तो मुझसे जिक्र नहीं किया, अगर माँ को कुछ हो जाता तो? होना क्या था भैया, जानते हो माँ कल सुबह से इसी चिंता में फूकी है, बेचारी रात भर गाड़ी में आहें भरती रही। तो क्या हुआ, अब बेटा सेवा करेगा? ये न कभी देखना सुना कि बहू माँ के कलेजे पर तीर चला, आधी जान तो कल से चिंता में मर गई और आधी अब निकल जाएगी। नहीं माँ, शायद मोहना ने ये सोचा हो कि तुम गाँव छोड़कर हमारे पास आने से इनकार कर दो, उसकी नीयत बुरी नहीं थी। मोना, नौकर तो बाहर गया है, तुम खुद ही माँ के लिए खाना पका दो। लो, मुझे खाना बनाना कहाँ आता है, अब शारदा आ गई है वो बना देगी। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं, मर चुकी, अब ये बता दो लेटना किस कोने में। मेरे साथ आओ माँ, आओ अंदर। वंडरफुल, अरे वाह, सुंदर, ये नीले की कौन है? ये हमारी आया। आया? हाँ। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो कोई बच्चा नहीं, फिर आया किसके लिए? हाँ, ये वो पिताजी बीमार है ना, उनके लिए आया रखी। तो फिर नर्स का होना भाई, बीमार के लिए जो रखी जाती है उसको नर्स कहते हैं, आया नहीं। तुम लोग भी पूरे हिंदुस्तान आराम करिए भैया। कौन? गेंजी। आराम, और 11 बजे प्लीज उसको उठाओ एंड बुलाओ। हाँ भैया।
देखती हूँ वो तैयार है। सर इन लॉ प्लीज। दर्शन बैठो ना। थैंक यू मुझे ये डर था। नहीं नहीं है। हाउ लकी आई एम मी। अच्छा तो जैक्सन भाई आपकी मुर्गियों का क्या हाल? As usual, कुछ अंडे दे रही और कुछ कुड़ा। और आजकल तो मैं एक नई पोल्ट्री भी खोल रहा हूँ। हाँ? तो इसका मतलब ये है कि पांचों उंगलियां घी में? और नौ घी को। यू आर माई ट्रू फ्रेंड ना। लेकिन जैक्सन भाई एक गड़बड़ है। गड़बड़ वो क्या? यार देखो ना तुम भी शादीशुदा हो और वो भी। ये तो और भी अच्छी बात है। उसकी लकी स्पॉट पे लगीजिएगा। थैंक यू। कैसे हो तुम जैक्सन? बस जब से तुम्हें देखा है कंडीशन में एयर कंडीशन हो गई है। खैर छोड़िए। अच्छा ये बताइए कि आपका टाइम कैसे कट रहा है? ओ देखिए ना सारा दिन घर में पड़े पड़े हम बोर हो जाता है और फिर कोई साथी भी तो नहीं है। साथी कैसे नहीं है? आपका ये खादिम आपका ये खादिम कब काम आएगा? अगर उर्दू की ट्राई मारी थी इसलिए गलती हो गई है। खैर छोड़िए। चाहिए तो आज के दो टिकट मंगाऊं सिनेमा के? आज नो नो आज तो हमारा स्विमिंग का प्रोग्राम है। स्विमिंग? हाँ वाह आप जानती हैं। फिर तो अच्छा प्रोग्राम रहेगा। चलो चलते हैं साथ में। ओह नो नो वो तो लेडीज स्विमिंग पूल है ना वहाँ मर्दों को नहीं आने देते। ओह लेडीज स्विमिंग पूल तो फिर कल का कोई प्रोग्राम बनाते हैं। कल का कल देखा जाएगा। तो मैं सुबह के पूछ जाऊँ? सुबह ऐसा करो कि तुम ये कार्ड रखो और ठीक 12 बजे मुझे इस नंबर पे फोन कर देना। अच्छा मगर सुंदर से मत बोलना। क्यों? पुरानी क्वालिटी का आदमी है खामखा रोड़ा अटका देगा। तो मैं चलूं फिर। बाय बाय। बाय बाय। अगेन बाय बाय। बाय बाय। मैं शेकिंग कर रहा था प्लीज। अरे वाह हाथ में बात है। ओके अगेन बाय बाय। बाय। देखा तीर निशाने पे लग रहा है एकदम। साढ़े चार महंगा पड़ गया तुम्हारा प्यार। देखो घड़ी। सॉरी जैक्सन पर जरा देर में मिला। तो क्या तुम बस से आया? डार्लिंग गंजे तुमने हमारा लव का इंसल्ट कर दिया। टैक्सी पकड़ के आने का था। ओ टैक्सी में कैसा आता? फ्रांस से हमारा अभी तक पैसा नहीं आया। तो तुमने हमको पहले क्यों नहीं बताया कि तुम कर की हो? डार्लिंग मैं सच कहता हूँ तुम्हारे घर के नीचे बैंक की बांध खोल देता। सुबह शाम बगैर चेक के जितना चाहिए माल निकालती। डार्लिंग तुम बहुत अमीर हो। ओ यस डार्लिंग आधी बम्बई खरीद सकता हूँ। पूरी सिर्फ इसलिए नहीं खरीदता कि किसी कम बहुत की नजर लग जाएगी। यू नो हमारा पति भी आधे फ्रांस का मालिक है। तुम उस नालायक का नाम इस वक्त मत लो डार्लिंग। क्यों? इधर तलवार चलता है हमारे दिल का ऊपर। वो हमारा पति है। अरे पति था है नहीं डार्लिंग अभी तो हम है तुम्हारा। हाँ हाँ तुम्हारा परमिशन होगा तो बोलता है। बोलो ना तुम्हारा तुम्हारा पति तुम्हारा नौकर तुम्हारा चाकर तुम्हारा नाई तुम्हारा हलवाई जो भी टाइटल दो मुझे मंजूर है माई। ओ जैक्सन तुम कितना मीठा है बिल्कुल चॉकलेट की तरह। चॉकलेट? डियर गेंजेस तुमने मुझे चॉकलेट कहा मैं तुमको क्या कहूँ? तुम हमको शहद कहो ना। शहद? यू मीन हनी? आइडिया तो माई डियर हनी शादी कब की थनी? शादी मगर वो फ्रांस वाले का क्या होगा? तुम उस थर्ड पार्टी को फिर बीच में ला रही हो डार्लिंग। अरे कि वो मर गया और अगर जिंदा होगा तो तुम उसे टेलीग्राम कर देना। नहीं मैं उसे टेलीग्राम कर दूंगा कि तुम मर गई। यानी कि मुझ पर। ओह लेकिन लेकिन तुम्हारी बीवी का क्या होगा? उसको तुम टेलीग्राम कर देना कि मैं मर गया तुम पर। ये रस तेरी बातों का चौक
चॉकलेट, ये जादू तेरी आंखों का आमलेट, ये घेरा तेरी जुल्फों का बेबी, दिल को गया लपेट, ये रस तेरी बातों का चॉकलेट, ये जादू तेरी आंखों का आमलेट, ये घेरा तेरी जुल्फों का बेबी, दिल को गया लपेट। मिस्री की दो डलियां, होंठ तेरे हैं या कलियां, या मिस्री की दो डलियां, नाक तेरी है चौरंगी, आंखें पेरस की गलियां, ये रस तेरी बातों का चॉकलेट, ये जादू तेरी आंखों का आमलेट, ये घेरा तेरी जुल्फों का बेबी, दिल को गया लपेट। शीरी है या हीर है तू, हुस्न की एक तस्वीर है तू, शीरी है या हीर है तू, हुस्न की एक तस्वीर है तू, देख के तुझको चैन पड़े, शिमला या कश्मीर है तू, ये रस चॉकलेट, ये जादू तेरी आंखों का आमलेट, ये घेरा तेरी जुल्फों का बेबी, दिल को गया लपेट। के अवध की शाम है तू, एक छलकता जाम है तू, या के अवध की शाम है तू, हुस्न तेरा तौबा तौबा, दाल से टपका आम है तू, ये रस तेरी बातों का चॉकलेट, ये जादू तेरी आंखों का आमलेट, ये घेरा तेरी जुल्फों का बेबी, दिल को गया लपेट। ये रस तेरी बातों का चॉकलेट, ये जादू तेरी आंखों का आमलेट, ये घेरा तेरी जुल्फों का बेबी, दिल को गया लपेट। बड़े मालिक, आज आपको स्वर्गवासी हुए 15 बरस बीत गए, और इस बीच में मैंने अपने लिए एक साइकिल तक नहीं खरीदा है ना सच बात, मगर उस नए मैनेजर कमल बहरा के बच्चे ने अपने लिए मोटर खरीद ली। प्रेम बाबू, आज किसकी शिकायत लेकर आए? मालिक, जबान चले जो मैंने कभी किसी की शिकायत की हो। मैं तो बड़े मालिक को खुशखबरी दे रहा था। खुशखबरी? जी ही। हुजूर, मैं बड़े मालिक को बधाई दे रहा था। मैं कह रहा था कि बड़े मालिक, अब तो अपना कारोबार ऐसा चल निकला है कि छोटे सरकार तो छोटे सरकार, यहाँ के मैनेजर तक ने मोटर रख ली है, कहने की बात है। किसने मोटर ले ली? जी, आपको मालूम नहीं? कैसे मालूम होता ना, तो आज रेडियो में खबर आई है और ना ही आज के अखबार में। हुजूर, मैं मेरा मतलब मेहरा साहब से था, 900 रुपए महीने की तनख्वाह में मोटर रखना उन्हीं का दिल गुर्दा है। प्रेम बाबू, आप किसी को खुश देखकर क्यों जलते हैं? आप अपने घर में खाइए, मेहरा को अपने घर में खाने दीजिए। हुजूर, मेहरा साहब चाहें तो मेरे घर 2 वक्त खा सकते हैं। अजी, खाने से कोई थोड़े ही गरीब होता है, फजूल खर्ची से होता है। 8000 की मोटर है, 8000 की। 8 लाख की क्यों ना हो, आपको इससे क्या? मैं कमेंट सर? कमेंट मिस्टर मेहरा।
आपने मुझे याद किया था जी? हाँ मेरा वो पूना में देसाई एंड कंपनी के 10,000 रुपए निकलते हैं, हर रोज यही जवाब आता है कि आज भेजते हैं कल भेजते हैं, आजकल करते हुए पूरे 6 महीने हो गए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद पूना जाओ और ये रुपया वसूल करके लाओ। बहुत अच्छे जी। और देखो बगैर वसूल किए वापस मत लौटना, क्योंकि ये पार्टी मुझे कमजोर नजर आती है। ऑल राइट सर। ओके थैंक यू मैम। अरे शारदा तुम कब आई? परसों। अरे भाभी तुम क्या यही रहती हो? हाँ क्या माँ भी आई है? हाँ वो ही तो बीमार है इसलिए डॉक्टर को लेने गई थी। क्या मौसी बीमार है? जाना तो नहीं चाहिए था मुझे इस घर में। अच्छा चलो। आइए डॉक्टर साहब। मौसी मौसी कौन? गीता भाभी हैं। गीता तुम यहाँ? माँ ये इसी मकान में सामने रहती है। मैं तो आते ही बीमार पड़ी। क्या कमल और बहू से तुम्हारा मिलना जुलना नहीं था? मौसी लेकिन एक दिन जरा मोहना के कारण आपस में खेटपीट हो गई। क्या बीमारी है डॉक्टर साहब? कोई जिस्मानी तकलीफ नहीं, वैसे दिल पर कोई चोट आई हुई है। मैं दवाई भिजवा देता हूँ, आप सुबह शाम 2 वक्त दीजिएगा। और खाना परहेज दे देना। शारदा मोहना कहाँ है? क्या उसे माँ की बीमारी का पता है? पता क्यों नहीं, भाभी तो सहेलियों की पार्टी में गई है। मैं जाकर डॉक्टर को बुला लाई। कमल क्या सुंदर की बहू से तुम्हारी अनबन है? नहीं माँ ऐसी तो कोई बात नहीं। छोड़ो ना मौसी, भाभी देवर की तकरार भी कोई तकरार होती है। अरे बेटी परदेश में 2 भाइयों का मेल हो तो एक दूसरे के दुख का सहारा होता है। डार्लिंग तुम आ गए? कहाँ चली गई थी मोहना? माँ बीमार थी, डॉक्टर को बुलाने गई थी। कमबख्त वो डिस्पेंसरी में ही नहीं था, बैठ बैठ के चली आई। भाभी ने जरूर डॉक्टर को बाहर जाते हुए देखा होगा। शारदा तो बाद नहीं आएगी? डॉक्टर को बुलाने नहीं गई थी तो क्या मैं सैर करने गई थी? डार्लिंग जरा बाहर तो आओ। देखो मौसी डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, अच्छे बुरे का ख्याल ना लाओ। मैं तुम्हारे लिए 2 वक्त परहेजी खाना बनाकर ले आया करूंगी। नहीं गीता, अपने बेटे के घर में होते हुए मेरा खाना बाहर से आएगा। क्या करती हो मौसी, मैं भी तो तुम्हारी बहू हूँ, वो तुम्हारे बेटे नहीं है क्या? ओफो, अब हर बात में तुम मुझी को कोसोगे। अब माँ बीमार है तो क्या मैं भी उसके साथ लेट जाऊँ? अगर मुझ पे भरोसा नहीं तो माँ को अस्पताल में दाखिल करा दो, वहाँ नर्सें बड़ी अच्छी तरह देखभाल करेंगी। घर होते हुए माँ को अस्पताल भेज दूँ? हाँ हाँ भेज दो, अस्पताल घर से सस्ता ही पड़ेगा। महंगा भी हो तो क्या, मगर यहाँ तुम हो शारदा है, नर्सें क्या अपनों से ज्यादा देखभाल करेंगी? अगर मुझे पूना न जाना होता तो मैं खुद छुट्टी लेके यहाँ माँ के पास रहता। अब तुम जाना या तुम्हारी माँ, अगर मैं भले की भी कहूँगी तो तुम उसे बुरा ही समझोगे। मैं काम का क्यों बुरी बनूं? माँ भाभी को तुम्हारी वजह से क्या तकलीफ है जो तुम्हें अस्पताल भेजने की तैयारी कर रही है? अस्पताल तुझे कैसे मालूम हुआ? मैंने भाभी को भैया से बातें करते हुए सुना है माँ। माँ माँ मैं दफ्तर के एक जरूरी काम से पूना जा रहा हूँ, वैसे जी तो नहीं चाहता लेकिन क्या आपका हुक्म है, और वैसे यहाँ मोहना और शारदा तुम्हारी पूरी सेवा करेंगे, डॉक्टर भी दिन में 2 बार आके देख लिया करेगा। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ बेटा? कहो माँ। तुम पूना जा रहे हो और बहू को अपने कामों से फुर्सत नहीं, मुझे अस्पताल भेज दो। देर यू आज मम्मी का भी यही ख्याल है मगर तुम न जाने क्यों नहीं मानते। ये भी बच्चा है बहू, तुम समझदार हो, धीरे धीरे ये भी तुम्हारी तरह समझदार हो जाएगा। नहीं माँ तुम्हें अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा माँ इजाजत दो, अब मैं चलता हूँ। मोहना देखो जब तक मैं वापस ना आऊँ माँ का पूरा पूरा ख्याल रखना। आवाज़ दो
नाम याद करते हैं। जक्सन भाई वो देखो साहब। प्रभा सुंदर, प्रभा सुंदर तुम आ गए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जवाब नहीं, तुम्हारा भी और तुम्हारे अंडों का भी। यार ये एक दर्जन अंडे भेजने की क्या जरूरत थी? अगर मुझे बुलाना ही था तो यूं ही बुला लेते। कहो क्या हुकुम? हुकुम? अरे हुकुम नहीं प्रभा सुंदर, बिनती है, बिनती। जब से उसे देखा है दिल किसी काम में नहीं लगता, दिमाग तो एकदम फेल हो गया है, किसी चीज में कोई फर्क ही समझ में नहीं आता है, ना मुर्गी में ना अंडे में, ना फर्नीचर में ना संडे में। आखिर बात क्या है? बात देखो भैया, तुमने अगर मेरी गेंजेस के साथ शादी नहीं कराई तो मैं खारे पानी के समंदर में कूद पड़ूंगा। कौन सी गेंजेस? वो जो हमारे मेहमान है, तो तुम उसमें नजर रखते हो? देखो ब्रदर, गरम होने की जरूरत नहीं, मैं सच्ची कहता हूँ, मैं उसे सच्चे दिल से चाहता हूँ। तो मरीज का हाल इतना बुरा है? अरे बहुत ही बुरा है, देख लो कंडीशन। लेकिन जैक्सन भाई, तुम्हारी बातों पर एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुम बड़े दिल फेंक आदमी हो। एतबार मेरी बातों पर नहीं? अरे क्या कहते हो प्रभा सुंदर, अरे सच्चाई के मामले में तो मैं 20th century का हरिश्चंद्र हूँ। बैठो 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 बैठो। देखो भैया, मुझे पहली बार प्यार का अटैक हुआ है, साथ कर दो नहीं तो कुंडा हो जाएगा। यार देखो जैक्सन, वो बेचारी गेंजेस का दिल पहले से ही टूटा हुआ, उसे एक आदमी ने धोखा दिया। अरे वो तो गधा था कोई। वो तो गधा है ही। अच्छा, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, उसे आदमियों से नफरत हो गई। नफरत? अरे भैया सब आदमी एक ही तरह थोड़े होते हैं। अरे मैं उसको जो चाहिए गारंटी देने को तैयार हूँ। तुम क्या गारंटी दोगे? जो तुम कहो। तो तुम्हें 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराना होगा। मंजूर। और वो इंश्योरेंस पॉलिसी गेंजेस के नाम पर रखनी होगी। मंजूर। और वो इंश्योरेंस की पेशगी 20,000 रुपए तुम्हें पहले देने होंगे। अरे ये भी मंजूर। अरे प्रदा सुंदर, जब शाह जाने क्या कहते वो नूर जहाँ के लिए कुतुब मीनार। ताजमहल यार, ताजमहल से ही। तो क्या मैं अपनी गेंजेस के लिए 2 लाख की पॉलिसी नहीं ले सकता हूँ? तो फिर मैं सुबह पॉलिसी लाऊं? बिल्कुल ले आओ। भैया तुम कल सुबह पॉलिसी लाओ, कल शाम को मैं बारात ले आता हूँ। आइडिया कैसा है? अरे नहीं यार, अभी तो बैंड बाजे बजेंगे, बारात आएगी, नाच गाने होंगे, बड़े धूमधाम से शादी होगी। आखिर हमारे जैक्सन की शादी है, किसी घसियारे की थोड़ी है। प्रदर्शन प्रदर्शन ना ना प्लीज। क्या हुआ? अच्छा याद आया, गांव वालों को खबर ना होने पाए। अरे हाँ, नहीं तो गंगा और उसकी माँ को खबर हो जाएगी, है ना? हाँ। मैं समझ गया। अरे समझ गए, समझ के मामले में दोनों ही समझदार हैं। तीसरे का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या कह रहे हो ब्रदर सुंदर? बहन साहब, क्या है, क्या बात है जी? फर्नीचर के किराए के लिए आया हूँ। फर्नीचर तुम्हारा पका के खा नहीं जाएंगे, देख लो वैसे का वैसा पड़ा है। हाँ मैं देख रहा हूँ, लेकिन किराया थोड़े महीने मिलना चाहिए। 3 महीने हो गए, एक कौड़ी नहीं मिली। देखिए मेम साहब, अगर आज भी कुछ नहीं मिला तो मैं अपना फर्नीचर उठा के ले जाऊंगा, मालूम? अरे भाई नाराज क्यों होते हो, हर महीने किराया देते ही रहे हैं। हाथ तो कभी कभी बड़े बड़े राजाओं का भी तंग हो जाता है। गांव से मेरी सास और ननंद यहाँ आकर पड़ी है, रिश्तेदारों की मेहमान नवाजी देखभाल ना करे तो दुनिया के सामने छोटे कहलाए। 2-4 दिनों में ये अपना बोरिया बिस्तर संभाले तो अगले महीने तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगी। अच्छी बात है, 1 महीने की मोहलत और सही, अगले महीने कोई बहाना नहीं सुनूंगा। समझ में आया? नमस्ते। कोई और बहाना नहीं मिला भाभी जो हम पे कीचड़ उछाला है? कौन सी मेहमानदारी कर रही हूँ हमारी, जिस दिन से इस घर में कदम रखा है घी का मुंह तक भी नहीं देखा। सूखी रोटी तो हमारी गाय भैंस भी नहीं खाया करती, और अब माँ बीमार है तो इसके लिए परेजी खाना सामने से गीता भाभी बना के लाती है। शारदा, भाभी के मुँह लगती है, शर्म नहीं आती तुझे? ऐसी भाभी से क्या शर्म करनी जो खुद अपनी शर्म उतार के बैठी है। शारदा बता ना भाभी, किस दिन तुमने हमें फल खिलवाए हैं, किस दिन मोटर में बिठा के घुमाने ले गई हो? जिस धोती में गांव से आई हूँ वही धोती आज तक पहनी है। बोलो ना भाभी, कौन सा जेवर दिया है तुमने मुझे? देख ज्यादा गुटर गुटर मत कर, अगर तुम लोगों को यहाँ रहना है तो ठीक तरह रहो, वरना गांव का टिकट कटवाओ और यहाँ से चलती बनो। तुम कौन होती हो हमें इस घर से निकालने वाली? कमल भैया पे सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है, माँ और बहन का कुछ नहीं। इस घर में जो कुछ भी है उस पे पहले मेरी माँ का अधिकार है, जिसने अपने शरीर के जेवर बेच के खेत नीलाम करके घर गिरवी रख के कमल भैया को पढ़ाया लिखाया और इसके योग्य बनाया कि वो आज कमाता है और तुम्हें खिलाता है। हाँ हाँ, बड़ा 10-20 हजार रुपए कमा लेता है ना, जो तुम लोग हिस्सा बांटने आए हो। शारदा अंधा पड़े तेरे मुंह में, इधर आती हूँ माँ, जरा दिल की भड़ास तो निकाल लो। क्या है माँ? जन्म जन्म
कोशिश की थी कि किसी बात का बुरा नहीं मानना, नहीं तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। माँ अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए रोती। मुझे तो पहले ही शक था, इस घर का सब कुछ चौपट है। क्या होगा कमल का, ये घर गृहस्थी नहीं तमाशा है तमाशा बेटी। लो मौसी थोड़ा सा खा लो, इतना सारा क्या लाई हो बेटी। पंडित जी शुरू हो जा। अभी समय नहीं हुआ, मुहूर्त में एक मिनट बाकी। एक मिनट यानी कि 60 सेकंड, फिर तो सिगरेट पी सकता हूँ। अरे अरे ये होने कुंड की अग्नि है, आप क्या कर रहे हैं महापाप। सॉरी सॉरी ओम। अरे सिगरेट लगन के बाद पीजिए। रोको रोको रोको, ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। अरे बाप रे काशी आंटी, क्या गलत टाइम तो बजाई घंटी। पंडित जी तुम तो शुरू रहे तो कोई पागल मालूम होती है। पंडित क्या रे कल मुझे मुझे पागल कहता है, मैं तेरी सास हूँ सास, एक बारातियों मैं इसकी सास हूँ, मुझे पागल कहता है क्या। अब क्या होगा जक्सन भाई, घबराओ मत, होगा वही जो मंजूर है पंडित होगा। पंडित जी शुरू हो जाओ। क्या रे बेसरा, अब इससे दोबारा शादी करने चला है। दोबारा What do you mean? क्या मतलब क्या मतलब, अरे बाप आ गया तुझे मतलब नहीं मालूम। सुंदर बेटा जरा इसे मतलब समझा दे। अभी समझा देता हूँ मौसी। ये लो देख, मतलब पहचाना इनको। My sweet Ganges. Ganges नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी गंगा। गंगा गंगा क्या मतलब, गेंजी और गंगा एक ही है क्या। अरे क्या कह रहे हो माई स्वीट काशी आंटी, तुमने तो बिल्कुल राइट टाइम पर, वरना खर्चा डबल हो जाता और बीवी सिंगल ही रह जाती। अरे अंग्रेजी टट्टू, देखा तुमने तुम्हारे लिए हमको क्या क्या करना पड़ा। अब संभालो अपनी पत्नी को। थैंक यू मिस्टर सुंदर खिला के भूटा दे रहा। चलो चलो चलो, और हमारी दक्षिणा का क्या होगा, इनका गाड़ी वाला भी दे रहा है। चलो चलो तैयार करो। ये है तुम्हारा घर, कैसा है ये घर है या कबाड़ खाना, कहीं हिरन के सर, कहीं मुर्गी, कहीं और। हे भगवान, ये बेशर्मी की तस्वीरें, ये सब क्या है। डार्लिंग ये तो मॉडर्न आर्ट है, औरत के जिस्म की तारीफ, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है। तो तुम इंग्लिश समझती हो ना। मुझे जितनी आपने सुनी। अच्छा इसका मतलब ये कि तुम तोते की तरह रट के बोलती थी। सिट डाउन सिट डाउन, मुर्गी बीच में बैठा था। आपके लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ा। अरे डार्लिंग मैं भी देखो तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। बोल। जी सब आया। शाबाश। ये क्या है, संतरे का रस। किस खट्टे फल का नाम ले दिया, ये तो है मीठे मीठे अंगूर का रस। इसके पीने से भूख लगती है, आंखें गुलाबी हो जाती हैं, प्रेम करने को जी चाहता है, और सच कहता हूँ यहाँ पर स्वर्ग का मजा आता है। तुम पीकर तो देखो। इसका नाम क्या है। इसका नाम है विस्की। विस्की, कहीं ये दारू तो नहीं है। फिर वही मुसीबत, अरे दारू तो 4.5 रुपए वाली होती है, ये 100 रुपए वाली चीज है विस्की। हाँ पहले दिन इतना ही काफी है। लो हिम्मत करके। ऐसा बात, ये तो शराब है। देखिए श्रीमान, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप आज्ञा दे तो मैं जहर भी पी जाऊंगी, लेकिन इस चीज को मैं भी नहीं छूंगी और आपको भी नहीं छूने दूंगी। लड़के जी आया, ये बोतल यहाँ से ले जाओ और इसका गंदा पानी फेंक कर साफ करके रसोई में रख दो, तेल भरने काम आएगी। देखते क्या हो, उठो। अरे 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 गंगा भाई, ऐसा जुलूम मत करो, मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। तो क्या हुआ, दोनों जी भर के बातें करेंगे। क्या खास बातें करेंगे, अरे बगैर उसके पिए ना मेरा दिमाग चलने वाला है ना जबान। तो फिर मैं नींबू शरबत पिला दूंगी। लड़के एक गिलास नींबू शरबत ले आओ। अच्छा जी। नींबू शरबत से मुझे जुकाम हो जाएगा। अच्छा
तो बनफ्शा का काढ़ा बना के पिला दूंगी। मगर मैं कहता हूँ ये बनफ्शा की अम्मा को तुमने यहाँ से क्यों उठवा दिया? मैं सच कहता हूँ एक घूट से सर्दी और जुकाम दोनों ही गायब। और दिमाग पर ताला। मेरे पिताजी कहा करते थे कितने ही बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, ये शराब नहीं सर्वनाशिनी है। ये राली मुशर खोपड़ी में। अरे क्या करता है, यहाँ रख दे। और सुन वो टेबल पर से चम्मच काटे छुरी उठा ले जी। और दो थाल परोस दे जी। और हाँ रात को यहाँ से दही जमा के सोना जी। कल से साहब लस्सी पिया करेंगे और बैंगन का भूसा खाया करेंगे। मोहना कहाँ है? अंदर है। भाभी मिसेस कपूर आई है। अरे मोहना अंदर क्या कर रही है? हेलो कविता, कैसी हो? अच्छी हूँ। देखा बाहर चुचुंदर पफ लगा रही है। कौन? वही तुम्हारी गवार ननद। और कौन? अच्छा तो चूंटी के भी पर निकलने लगे। शारदा क्या कर रही है? गांव की मिट्टी मुंह से झाड़ रही हूँ भाभी। जानती भी है ये क्या चिपड़ रही है मुंह पर? जानती हूँ, आटा नहीं है पाउडर है। लेकिन पाउडर लगाने के लिए मुंह भी होना चाहिए। तुमसे तो बुरा नहीं है भाभी। बेशरम कहीं की तेरी जबान है या कैसी? तो भाभी कि तुम्हारी जबान है या बिच्छू? चुड़े तेरी ये मजाक ये बात बात में डंक मारती है। उठ चल चल भाभी। चल माँ के पास। माँ देखो अपनी लाडली को, मेरे पाउडर के डिब्बे का डिब्बा अपने मुँह पर थोप दिया और ऊपर से मुँह चिढ़ाती है। क्यों शारदा तूने भाभी से पूछे बगैर उसकी चीज को हाथ क्यों लगाया? क्या भाई के घर में किसी चीज को हाथ लगाने के लिए बहन को पूछने की जरूरत होती है? और जरा सा पाउडर लगा लिया तो भाभी को इतना ताव खाने की क्या जरूरत थी? ताव ना खाऊं तो और क्या करूं? फिर आप ही कहेंगी कि मेरी लड़की को बिगाड़ के रख दिया। मुझ पर क्यों इल्जाम लगाती हो बहू? मैंने कभी किसी बात का तुम्हें ताना दिया है? तो मैंने कब आपको तानों का मौका दे दिया? ये तो मेरा ही जी जानता है बहू। तो फिर दिल पर पत्थर रखकर यहाँ क्यों बैठी हो? कर भला हो बुरा दिन रात सेवा करती हूँ और ऊपर से नखरे अलग सहने पड़ते हैं। कौन करता है नखरे? न तो माँ की उम्र नखरे करने की है न मैंने ये बातें सीखी है। तुम अपनी सहेलियों के सामने सच्ची बनती हो मगर सारा पड़ोस जानता है कि तुमने हमारी क्या दुर्गत बना रखी है। मोहना ये तेरा ही जिगर है जो सास और ननद की जली कटी बातें सुनती रहती है। तेरी जगह मैं होती तो इस कूड़े करकट को उठाकर तब से बाहर फेंक देती। सच कहती हो लाडो रानी, अपने माँ बाप को फेंकाई और क्या करती? और अब दुनिया को सबक देने आओ। अपने जबान को रोक जरा। जबान तो जबान, अगर इसने और कहा तो मैं हाथ भी उठा लूंगी। भाभी तू लाख हमारा अपमान करे बुरा भला कहे, लेकिन ये नहीं होगा कि अब तुम्हारे मिलने जुलने वाले की हम गालियाँ भी सुने। कौन सी गालियाँ दी है इसने? क्या इसने हमें कूड़ा करकट नहीं कहा? हाँ हाँ तो सच ही कहा है, कूड़े को कूड़ा और गंदगी को गंदगी ही कहा जाता है। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने से बड़ों का पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है और तुम माँ जी को कूड़ा करकट कर रही हो? अरे जा बड़ी आई हिमायत करने वाली, मैं सब जानती हूँ कि ये आग तेरी ही लगाई हुई है। दो दिन से मूंग की दाल क्या उबाल कर ले आती है और सारी दुनिया को बताती है कि जैसे हमारे घर में कुछ पकता ही नहीं। ननद पर हाथ चलाते शर्म नहीं आती? माँ आ मेरी बच्ची। बच्ची है ये तो अच्छे खासों को बाजार में खड़ा करके नीलाम कर दे। चल मोना इन कमीनों के मुंह नहीं लगते। कमीनी होगी तू, तेरा बाप। क्या कहा? आज तो मैं तेरा कपूरन खबरदार, जो इस पर हाथ उठाए तो तोड़ ना डालूं तेरा हाथ, तो मेरा नाम गीता नहीं। ये ना समझना कि लड़की को अकेला जानकर दबा लोगे तुम लोग। उठा हाथ, देखती क्या है, अब उठा ना। भैया आज तक तो भाभी की कभी शिकायत नहीं की थी, लेकिन अब मजा चखाऊंगी।
देती। तेरे भैया को हमारी परवाह होती, इस घर में हमारी क्या दुर्गति होती। चल बेटी, उस नगरी में क्या रहना, जहाँ अपने बोए हुए पेड़ की छांव में धूप लगे। चल, चल बेटी। नहीं माँ जी, नहीं, चलिए आप हमारे घर में रहिए। नहीं बेटी, अब तो मैं गांव ही जाऊंगी। माँ, भैया से तुम इंतजार, बहुत मिली है तेरे भैया से बेटी। बच्चे को बड़ा किया, उसकी शादी कर दी, इसके बाद माँ का बच्चे से क्या संबंध। चल चल, चिंता की कोई बात नहीं, चोट बिल्कुल नहीं आई है, घबरा गई है इसलिए बुखार हो आया है। माथे पे थोड़ा बर्फ रखिए, ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। ये मुझे कहाँ ले आई शारदा, कहाँ हूँ मैं? माँ, ये इन बाबू साहब का घर है। माँ, इनके गाड़ी के नीचे तुम आ चली थी, लेकिन इन्होंने तुम्हें बचा लिया है। क्यों बचाया मुझे, मरने क्यों नहीं दिया? ऐसी बात नहीं करते माँ जी, कहाँ जा रहे थे आप लोग, घर कहाँ आपका? जी गांव में, गांव जाने के लिए हम स्टेशन की तरफ जा रहे थे। इतना उपकार किया है बेटा, एक और कर दो, हमें स्टेशन तक पहुँचा दो। ये कैसे हो सकता माँ जी, जब तक आपका बुखार ना उतर जाए मैं आपको कहीं नहीं जाने दूँगा। लेकिन हम लोग यहाँ कैसे रह सकते हैं? शायद पराया समझती हो,
जैसे तुम्हारी माँ वैसे मेरी। गिरधारे, ओ गिरधारे, जरा फ्रिजरियर से बर्फ निकालना। बहुत अच्छा, मैं अभी आता हूँ माँ जी। देखा बेटी, एक कमल है जो अपना है और एक ये है जो पराया है। आजकल कौन अपना है और कौन पराया है यही समझना मुश्किल है माँ। तुम सोने की कोशिश करो, नींद से बुखार हल्का हो जाएगा। सुनो गिरधारी। जी सरकार। ये बर्फ की थैली मुझे दे। बहुत अच्छा। और देखो वो जो मांझी है ना। जी हाँ। उनकी अच्छी तरह सेवा करना, किसी किस्म की शिकायत ना हो। निकाला तो फिर कहाँ जा सकती है? पागलपन का क्या इलाज, गांव चली गई होगी। सारा दिन वो गीता उसके घुटने से घुटना जोड़ के बैठी रहती थी। एक तो बूढ़ी उम्र और ऊपर से गीता का मिर्च मसाला, भड़का के भेज दिया होगा उसे। जानता हूँ, तुमने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, मेरी बहन को मुझसे जुदा कर दिया। हाँ हाँ, जो कुछ किया है मैंने ही किया है। अब अगर आप चाहते हैं तो आप भी इस घर से चले जाइए। अगर तुम्हारी यही आदत रही तो शायद एक दिन ये नौबत भी आ जाए। मैं गाँव जा रहा हूँ। जरूरत है तुम्हें जाने? तुम्हें नहीं, लेकिन मुझे माँ से जाकर माफी मांगूंगा। ना गया तो सारी दुनिया मुझ पर हंसेगी, माँ के मुंह से मेरे लिए कभी दुआ ना निकलेगी। चाबी कहाँ है अलमारी की? क्या चाहिए? दफ्तर के 10,000 रुपए पूना से लेकर आया। तो मुझे दे दीजिए, खा तो नहीं जाऊंगी। लेकिन संभाल के रखना, दफ्तर की अमानत है ये। मैं जा रहा हूँ। माँ जी की तबीयत कैसी है गिरधारी? आज तो अच्छी है सरकार। डॉक्टर आया था? जी हाँ, दिन में 2 बार आया था। मैं ये कह रहा था कि माँ जी को वहाँ सोने दो और तुम यहाँ बैठ के पढ़ो। क्यों, यहाँ क्यों, वहाँ नहीं पढ़ सकती क्या? वो सोने का कमरा है और ये पढ़ने का। अच्छा, तो यहाँ हर बात के लिए अलग अलग कमरा होता है। तो फिर ये बताइए कि अगर कोई अनपढ़ हो तो उसके लिए कौन सा कमरा है? मगर तुम तो पढ़े लिखे हो। यूं ही मामूली से, गाँव में मैट्रिक तक ही स्कूल है। तुम्हारे हाथ में जो किताब है ये तो काफी मुश्किल है। मैं घर में पढ़कर अभ्यास करती रही। वेरी गुड। घर में और कौन था? मैं और माँ। भाई वगैरह? मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? घर की हर बात हर किसी को थोड़ी बताई जाती है। मुझसे अगर कोई पूछे तो फौरन बता दूं। अच्छा, तो आप बताइए कि आपके घर में कौन कौन है? मैंने कहा ना, मैं हूँ, नौकर हैं। और चाकर हैं। माँ बाप? नहीं। भाई बहन? और वो कौन? वो चा
चाची मौसम होती नहीं। नहीं। वो तुम्हारा मतलब रसोईया खाना बनाने वाला? नहीं जी, मैं तो उसकी पूछ रही हूँ। वो अच्छा वो पत्नी पत्नी नहीं। तो फिर आपने इतने सारे नौकर क्यों इकट्ठे कर रखे हैं? वो इसलिए कि कभी तो शादी होगी, पत्नी आएगी, उसके लिए रसोईया नौकर। समझी, आपकी पत्नी जिसे खाना पकाना नहीं आता होगा, चूल्हे चौकी की समझ नहीं होगी, झाड़ू देने से नफरत करेगी। हाँ ख्याल तो था कुछ ऐसी होगी। और अगर ऐसी नहीं होगी तो क्या आप इन सबको निकाल देंगे? ये तो उसकी मर्जी पर है, अगर कहेगी तो निकाल देंगे। रहने देना साहब, गरीब लोग हैं बेचारे, किसी की रोजी पे लात नहीं मारा करते। अच्छा अच्छा, अगर तुम कहती हो तो नहीं मारेंगे, वैसे मैंने कभी फुटबॉल पे भी लात नहीं मारी। शानदार। अरे जाग पड़ी, मैं चलूं। माँ काका, तुम क्या माँ यहाँ नहीं पहुंची? वो तो तुम्हारे पास गई हुई है बेटा, जाते हुए घर की देखभाल के लिए चाबी दे गई थी, तो मैं सफाई वगैरह करवाने आ गया। तुम्हारी बीमारी की चिट्ठी आते ही वो शारदा के साथ रवाना हो गई थी। लेकिन वहां से तो चली आई थी, कहाँ जा सकती है काका? क्या बात है, माँ रूठ के तो नहीं आई? जी हाँ, कुछ ऐसी ही बात। मैं दो रोज के लिए पूना चला गया था और पीछे समझा बहू से झगड़ा हो गया होगा। कमल, गाय भैंस बूढ़ी हो जाए, दूध देने के काबिल न रहे, फिर भी लोग उसे थोड़ा बहुत चारा डाल देते हैं। लेकिन तुमने तो बुढ़ापे में अपनी माँ से चक्की पिसवाई। आओ आओ, तुम्हें दिखाऊं कि क्या होता है माँ का दिल। आओ आओ मेरे साथ, आओ रसोई घर में आओ। जब तुम्हारी बीमारी की चिट्ठी आई थी तो तुम्हारी माँ खाना खा रही थी, तुम्हारी बीमारी का हाल सुनते ही उसके हाथ से निवाला छूट गया। ये देखो निवाले, ये निवाला नहीं, एक माँ का दिल है, उसके भूखे प्राणों की तस्वीर है। बस करो काका, अब और कुछ करो काका, और कुछ करो। राम 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 राम। ले 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 ले। सारी तस्वीरें हो गई जी, मगर बीबी जी इन सब पुरानी तस्वीरों को रखेंगे कहाँ? रखना कहाँ है, बाजार में ले जाओ और कबाड़ी को बेचा। अच्छा और सुन, इसके पैसे मुझे नहीं चाहिए, तू ले लेना। अच्छा जी, कबाड़ी की दुकान। कबाड़ी की दुकान? ये तुम अंग्रेजी में गिटपिट क्या करते रहते हो, हिंदी में बोलो ना। बाबा तुमने तो मेरे मकान का हुलिया ही चेंज कर दिया। अभी तो मकान का हुलिया चेंज हुआ है, मैं तो तुम्हारा भी हुलिया बदल दूंगी। क्या मतलब है, धोती कुर्ता लेकर आई हो क्या? बिल्कुल। ओ गॉड, देखा ना फिर तुम अंग्रेजी में शुरू हो गए। बाबा मुझे हिंदी नहीं आती है। तुम्हें अपनी मातृभाषा भी नहीं आती? जी नहीं, मुझे मातृभाषा नहीं आती, फादर भाषा आती है। क्यों जी, ये अंग्रेज तुम्हारे पिता कब के हुए? 300 साल तक हमारे देश में पिता बनकर ही तो रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब तो वो अपने घर चले गए ना, और हम अपने घर। तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। अच्छा अब चाय क्यों लाती हो, दही दूध की लस्सी आने दो। अच्छा जी, लस्सी ही लाऊंगी और साथ कचोरी भी। तले हुए तेल की, ताकि तेल से भी गला पकड़े और लस्सी भी गला पकड़े। ये रह गया, अच्छा वो इसको छुपा देता हूँ। अब वो आए तो उनसे विदा लेकर गांव चले। अब अच्छा माँ, उनके आते ही बात छेड़ूंगी। शारदा दीदी, मालिक का टेलीफोन है, आपको फोन पर बुलाया है। बेटे जी, जाने की बात भी कर लेना। अच्छा हेलो जी, मैं शारदा बोल रही हूँ। बाबू साहब आप घर कब आ रहे हैं? क्यों जी,
पूछना है। अच्छा, क्या पूछना तो कुछ मुझे था। हाँ हाँ तो पूछिए ना। नहीं नहीं पहले तुम पूछ लो, देखो छुपाना नहीं साथ साथ। जी मुझे गांव जाने के लिए पूछना है। क्यों, इतनी जल्दी क्या है? जी माँ तो अब अच्छी हो गई है, किसी गैर के घर बोझ बनकर कब तक बैठे रहेंगे। देखो शारदा, अगर तुम चाहो तो मुझे चुनकर अच्छी सी गाली दे दो, मगर गैर ना कहो। क्या गैर गाली होती है? हाँ, उसके लिए जिसका अपना कोई ना हो, और जब वो किसी को अपना समझने लगे और वो भी गैर कहे। मैं समझी नहीं हूँ। सीधी सी बात है शारदा, चाहता था तुमसे खुद कहूँ, मगर कहते हुए जबान लड़खड़ाने लगती है, दिल कांपने लगता है, इसलिए सोचा कि फोन का सहारा लूं। मैं अभी भी नहीं समझी, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ शारदा, मैं कोई गैर नहीं, तुम भी मुझे अपना समझो जिस तरह मैं तुम्हें अपना समझने लगा। शरीर कहीं क्या कहा शरीर? अरे राम, आपने कैसे सुन लिया, मैंने तो टेलीफोन से हाथ रखा हुआ था। देखो शारदा, जब दिल को दिल से चाहत होती है तो आवाज खुद ब खुद सुनाई देती है। तुमने मेरी बात का बुरा तो नहीं माना? मैं क्या जानती? तुम नहीं जानती? ना। नहीं, मोटर कार आने वाली। ओ, हाँ मुन्ना, इसी साल का बिल्कुल नया मॉडल देखा है, गजब है गजब, 15,000 रुपया। देखने में कार नहीं दुल्हन दिखती है, दुल्हन। ये बात है तो फिर कर लो ना सौदा। मोहना, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ, 8,000 रुपए मेरे पास है, 7,500 तू दे दे, बस मेरा काम हो जाएगा। देखो मिसेस कपूर, मैंने तुमसे पहले कहा था कि रुपया मैं अपनी सहूलियत से दूंगी। देखो मिसेस मेहरा, सहूलियत की भी कोई हद होती है, 6 महीने तक चुप रही हूँ तो अभी कुछ महीने और चुप रहना पड़ेगा। तो क्या कार की कीमत मेरे मरने के बाद मेरे बाल बच्चों को देगी? दूंगी जब होगा। आहा, ये रोक नहीं चलेगा, या तो निकाल मेरे रुपए या मैं कार लेके जाती हूँ। कविता, तू गाड़ी ले जाएगी? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसा करेगी। तो मैं क्या करूँ, तू मुफ्त की गाड़ी में घूमती फिरे और मैं तेरा मुँह देखती रहूँ? कविता, कुछ दिन और सब्र कर लो, आखिर मोना ने तुम्हें 500 रुपए तो दे ही रखे हैं। 500 रुपए से क्या होता है, मैंने कार बेची है, कोई साइकिल नहीं। बोल मोहना, मेरे रुपए देती है या कार की चाबी? क्या कहा, कार वापस करके मैं अपना मजाक उड़वाऊंगी? मुझे नहीं पता था कि तू दिल कितनी छोटी है, अच्छा हुआ अभी से पता चल गया। बकवास मत कर, अगर इतनी गैरत वाली है तो मेरे रुपए दे दे। मिसेस कपूर, मिसेस मेहरा। अच्छी बात है, समझा क्या है तूने मुझे? हमेशा तुझे खिलाया है खिलाया है, कुछ खाया नहीं तुझसे। कहाँ से लाएगी इतने रुपए, रोज पैसे पैसे को रोती रहती है। बात की कमाई होगी या खसम की, मुझे क्या। ये ले रुपए, तेरी तरफ भूखे नहीं है, जा और खरीद ले नई कार। दूसरे दिन एक्सीडेंट नहीं हुआ तो कहना। क्या कमीनी कहीं की, तेरे कहने से क्या दुनिया जीती मरती है, चल निकल यहाँ से। चलो चलो कविता, पुरानी दोस्ती जरा सी बात पे नहीं तोड़ा करते। हाँ? चलो। अच्छा मोना, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। क्यों जी? कहिए जी। उस दिन तो आप कह रहे थे कि कमल बाबू ने जो मोटर ली है वो दूसरे दिन नीलाम भी हो जाएगी। हाँ, सच्ची तो कह रहा था, तुम इसमें शक है क्या? तो फिर सुन लीजिए, मैं आज कमल बाबू के घर गई थी, मेरे सामने मोना ने मिसेस कपूर को 7,500 रुपए चुका भी दिए। 7,500? जी। और उस भिकमंगे के पास? समझा। क्या समझे? गए। क्या गए? अरे उनकी मोटर और वो भी। वो क्या? रानी, मैं अभी दफ्तर होके आया। सुनिए, मेरे लिए मोटर लेके आएंगे क्या? अरे मेरी चलो, हम तो उन लोगों में से हैं जो ना खुद खाए ना दूसरों को खाने दे, है ना सच बात? गुड मॉर्निंग कुमार बाबू। गुड मॉर्निंग मिस्टर सुंदर, कम इन प्लीज। जवाब नहीं, आपका भी और आपके दफ्तर का। क्यों मेरी तारीफ कर रहे हो? अजी मैं तो अपनी कर रहा हूँ,
जवाब नहीं मेरा। एक महीने के अंदर अंदर 50,000 रुपए के शेयर बेच डाले। रियली? जी हाँ, ये रहा फॉर्म और ये चेक। यू आर ए जीनियस मिस्टर ब्यूटीफुल। वाह वाह, बैठो बैठो। शुक्रिया। इनकी रसीदें और तुम्हारी कमीशन का चेक मैं कल बनवा दूंगा। जी इसकी फिक्र किसको है, लेकिन कुमार बाबू हाँ? आपने अभी तक इंश्योरेंस की पहली किस्त नहीं भरी। नहीं भरी? आई एम सॉरी, कितनी है किस्त? जी यही करीब 7,500 रुपए। 7,500? अच्छा याद आया, मैंने कमल को पूना भेजा हुआ है कुछ रुपया वसूल करने के लिए, शायद आज ही आ जाए। तुम ये रुपया कमल से ले लेना। कमल से? हाँ ठीक है, बस का किराया बच जाएगा। बहुत कंजूस हो मिस्टर सुंदर, इतना रुपया जमा करके क्या करोगे? जी बाल बच्चों के काम आएगा। भगवान की दया से कितने बच्चे हैं? जी भगवान की दया से तो बहुत हो जाते, लेकिन अपनी दया से एक भी नहीं है। तो बे औलाद हो? जी अपनी दया से, और वो इसलिए भाई साहब क्योंकि अभी तक मेरी आमदनी सिर्फ 500 रुपए तक पहुंची है। मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने मिलकर कसम खाई है कि जब भी हमारी आमदनी 600 रुपया महीना होगी तब हम पहला बच्चा पैदा करेंगे, और जब 700 रुपये होगी तो दूसरा, और जो ही 800 रुपया हुई तो समझ लीजिए तीसरा आ गया। और इसके आगे? इसके आगे फुल स्टॉक, चाहे कितनी भी इनकम। मगर ऐसा क्यों, 100 रुपया कमाने वाले के यहाँ तो चार चार पाँच पाँच होते हैं। अजी साहब ऐसे ही आदमी तो फुटपाथ की आबादी बढ़ाते हैं। धड़ाधड़ बच्चे पैदा करने से तो अच्छा है कि पहले अनाज पैदा करें। आपने सड़कों पर देखा होगा कितने दुबले पतले नंगे बच्चे, नाक से कुदरती आइसक्रीम बहती थी, मुंह पर 9:45 हुई, अपने माँ बाप की बेवकूफी का जीता जागता एडवर्टाइजमेंट बनकर घुमा करते हैं। अगर उनके माँ बाप से ये पूछो कि अरे भाई अपने देश पर ये जुल्म क्यों किया, तो लकीर के फकीर एक ही जवाब देंगे कि इसमें हमारा क्या कसूर है, ये तो भगवान की देन है। अरे कुमार बाबू, हम हिंदुस्तानी लोगों का धर्म और ईमान एक ही हो गया है। अगर कोई पैदा हुआ तो भगवान की मर्जी, कोई मर गया तो भगवान की मर्जी, कहर पड़ गया तो भगवान की मर्जी, पाप इंसान का और जमानत भगवान का। भाई सुंदर, तुम तो कमाल के आदमी। जी मैं कमाल का आदमी नहीं, मैं तो अपनी पत्नी का आदमी। अच्छा तो कुमार बाबू मैं चलता हूँ, मैंने आपका बहुत सारा जाया वक्त कीमती कर दिया। कीमती वक्त जाया कर दिया। जी एक ही बात है, जय हिंद। ओके सुंदर। जी हुजूर। बैग बैग बैग। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग प्रेम बाबू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुंदर। जवाब नहीं तुम्हारा भी और तुम्हारे खोटे दिल का। क्या बैलेंस किया है, आधे बाल काले आधे सफेद, तन गोरा मन काला, 32 दांत में से 30 अंदर और 2 बाहर। देखो सुंदर, तुम्हें सुबह सुबह कोई दूसरा नहीं मिला? अरे मिले तो सैकड़ों हैं प्यारे, लेकिन तुम्हारा जवाब नहीं। अच्छा प्रेम बाबू ये तो बताओ आजकल तुम्हारी जवान बीवी का क्या हाल? पता नहीं कहीं का, किसी की पत्नी के बारे में ऐसे पूछते थे? नहीं तो क्या चिट्ठी लिखकर पूछते हैं? देखो सुंदर। अरे तो उखड़ते क्यों हो प्यारे, तुम्हारी बीवी हमारी भाभी हुई, अब जल्दी से अंदर जाओ कहीं तुम्हारी शिकायत ठंडी ना हो जाए। जाता हूँ। जाता हूँ। आइए आइए प्रेम बाबू, कहिए आज ऑफिस में कौन कौन देरी से आया, किस किस ने चोरी की? हुजूर आज सब वक्त पर आए हैं और चोरी भी किसी ने नहीं की। अच्छा। मगर हुजूर एक खबर हुआ है। खबर किसका? हुजूर की दौलत का। तो जरूर तुमने किया होगा। लीजिए हुजूर, तो मुझे कभी अच्छी नजर से नहीं देखते, पूछ लीजिए अपने पिताजी से क्यों मालिक मैं कभी दफ्तर की एक सुई तक भी घर ले गया हूँ। तो कहो ना किसने गबन किया? हुजूर कमल मेहरा ने, इधर पूना से रुपया लेकर आया और इधर आते ही मोटर का कर्जा चुका दिया। प्रेम बाबू शर्म नहीं आती तुम्हें, खामखा एक शरीफ आदमी पर इल्जाम लगा रहे हो? हुजूर हाथ कंगन को आरसी क्या, बुलाइए कमल मेहरा को रुपए के साथ, फिर आपको पता चलेगा कि सच्चा कौन है झूठा कौन। और अगर ये बात झूठ निकली तो हुजूर मेरा सर और आपका जूता। तो बुलाओ कमल मेहरा को। मगर वो तो आज दफ्तर भी नहीं आया। तो बुलवा भेजो। बहुत अच्छा, मैं खुद जाके बुलाता हूँ और आप तब तक पुलिस को बुलाकर रखिए। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा, शारदा इस लायक कहा कि वो इस घर की रानी बन सके? ऐसा तो कभी नहीं देखा कि महल ने बढ़कर झोंपड़ी को गले लगाया हो। बेटा शारदा का हाथ मांगकर
कहीं तुम हमारी गरीबी का मजाक तो नहीं उड़ा रहे हो? एक बेटा और माँ का मजाक उड़ाए? माँ जी, इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है। बरसों के बाद किसी बुजुर्ग ने इस घर में कदम रखे हैं। मैं चाहता हूँ माँ जी कि आपके ये कदम हमेशा इस घर में पड़ते रहे। कहीं आपने मेरी बात रख ली। समझ में नहीं आता बेटा, क्या जवाब दूँ? एक नजर अपने इन मैले कपड़ों को देखती हूँ और दूसरी नजर इस राजमहल। छोड़िए इन बातों को माँ जी, भीख तो मैं मांगा, कहीं आपने हाँ कह। अच्छा बेटा अच्छा, भगवान आप दोनों को। क्या है गिरधारी? मेरे बाबू मेरा साहब को लेकर आए। अच्छा मैं अभी आता हूँ। माँ जी मेरा मैनेजर आया है, मैं उससे मिलकर अभी आता हूँ। माँ कहीं कमल भैया तो नहीं आए? वो भी तो किसी दफ्तर के मैनेजर है। देख तो। क्या कहा? 7,500 रुपए कम है। कहाँ गए वो रुपए? जी जी घर में खर्च हो गए। तुम जानते नहीं थे कि वापस का रुपया है? मेहरा मैंने आज तक तुम्हें ईमानदार समझा, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, अमानत में खयानत की। जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मजबूरी थी। तुम चोरी को मजबूरी कहते हो? कल किसी का कत्ल कर दोगे और कहोगे इसके सिवा चारा नहीं था। मेहरा मैं तो तुम्हें शरीफ घर का समझता था, लेकिन तुम कमीने और दलील घर के निकले। कुमार साहब आपको जो कुछ भी कहना है मुझे कह लीजिए, लेकिन मेरा खानदान तक न जाइए। मैं लाचार हूँ, बहुत परेशानियों से घिरा हूँ। और इन परेशानियों का तुमने ये इलाज ढूंढा? जानते हो पुलिस में रिपोर्ट होगी और तुम्हें हथकड़ी लगेगी, तुम्हारे और तुम्हारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेहरा तुम मेरे पुराने कर्मचारी, इसलिए मैं तुम्हें एक हफ्ते की मोहलत देता हूँ। एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर मेरा रुपया मुझे ना मिला तो पुलिस में रिपोर्ट के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं, तुम जा सकते हो। अच्छा भगवान आप दोनों को। क्या है गिरधारी? मेरे बाबू मेरा साहब को लेकर आए। अच्छा मैं अभी आता हूँ। माँ जी मेरा मैनेजर आया है, मैं उससे मिलकर अभी आता हूँ। माँ कहीं कमल भैया तो नहीं आए? वो भी तो किसी दफ्तर के मैनेजर है। देख तो। क्या कहा? 7,500 रुपए कम है। कहाँ गए वो रुपए? जी जी घर में खर्च हो गए। तुम जानते नहीं थे कि वापस का रुपया है? मेहरा मैंने आज तक तुम्हें ईमानदार समझा, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, अमानत में खयानत की। जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मजबूरी थी। तुम चोरी को मजबूरी कहते हो? कल किसी का कत्ल कर दोगे और कहोगे इसके सिवा चारा नहीं था। मेहरा मैं तो तुम्हें शरीफ घर का समझता था, लेकिन तुम कमीने और दलील घर के निकले। कुमार साहब आपको जो कुछ भी कहना है मुझे कह लीजिए, लेकिन मेरा खानदान तक न जाइए। मैं लाचार हूँ, बहुत परेशानियों से घिरा हूँ। और इन परेशानियों का तुमने ये इलाज ढूंढा? जानते हो पुलिस में रिपोर्ट होगी और तुम्हें हथकड़ी लगेगी, तुम्हारे और तुम्हारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेहरा तुम मेरे पुराने कर्मचारी, इसलिए मैं तुम्हें एक हफ्ते की मोहलत देता हूँ। एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर मेरा रुपया मुझे ना मिला तो पुलिस में रिपोर्ट के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं, तुम जा सकते हो। अब क्या होगा माँ? अब क्या होगा? तेरी तकदीर का सूरज निकला और निकलते ही डूब गया। अब इस घर का दरवाजा भी हमारे लिए बंद हो गया। तुम मेरी चिंता मत करो माँ, कहीं कमल भैया को कैद हो गई तो? उसके जेल जाने से पहले मैं मर जाऊं तो अच्छा होगा। शारदा शारदा अब हम यहाँ नहीं रह सकते, चल यहाँ से जल्दी। चल बेटी चल जल्दी यहाँ। एक बात और कह दूं छोटे सरकार, मेरी शक्ल बुरी बना दी भगवान ने, मगर मैं दिल का बुरा नहीं, प्रेम नाम है और सबसे प्रेम करता हूँ, है ना सच बात? बिल्कुल सच, लेकिन प्रेम बाबू तुम इस वक्त मुझसे प्रेम मत करो, क्योंकि मैं खुद किसी से प्रेम कर रहा हूँ। जी तो आप जा सकते हैं। जी माँ जी, शारदा
गिरधारे, गिरधारे। जी सर साहब। माँ जी और शारदा कहाँ गई? कुछ देर पहले मैंने उन्हें जल्दी जल्दी बाहर जाते देखा सरकार। बाहर जाते देखा है? जी हाँ। लेकिन अचानक बगैर बताए वो कहाँ चली गई? तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? कुछ देर पहले आप यहाँ मौजूद थे, मैं समझा आपसे पूछ कर गई हुई। पूछ कर गई हूँ, इतनी अकल होती तो जिंदगी भर नौकर क्यों बने रहते? यूं न होना था जुदा ऐ मेरे बिछड़े सनम, प्यार की तुझको कसम। देख अब याद ना ऐ मेरे प्यार बता। मैंने चाहा था तुझे, मैंने पूजा था तुझे। मैंने चाहा था तुझे, मैंने पूजा था तुझे। जिंदगी भर के लिए अपना समझा था तुझे। ये जुदाई तो न थी, बेवफाई तो न थी। मेरी वफाओं का सिला है मेरे प्यार बता। मुझे बस से टकरा गई, मिसेज मैरा को बहुत चोट आई है।
मैं अभी आता हूँ। जी हाँ अभी आता हूँ। मुझे ये अफसोस नहीं कि मोटर के टुकड़े टुकड़े हो गए, तेरी हड्डी पसली टूट गई, बल्कि अफसोस तो ये है कि तू मर क्यों नहीं गई। तू औरत नहीं डायन है, डायन। तेरी वजह से मेरी माँ घर छोड़कर चली गई, मेरी बहन गई और अब मेरी नौकरी भी गई। देख क्या रही है, तुझे तो हंसना चाहिए। कह कह लगा आज तेरी दिवाली है, घर में घी के चिराग जला। कमल पागल हो गए हो, एक तो भाभी का ये हाल है, ऊपर से तुम बेचारी को। बेचारी कहते हो इसे? इसने तो भरे बाजार में मेरी इज्जत नीलाम कर दी है। एक शरीफ आदमी को घर से निकाल जेल खाने के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। अब तक तो ये आशा थी कि मोटर बेचकर दफ्तर के रुपए चुका दूंगा, लेकिन मोटर के टुकड़ों के साथ वो आशा भी। ये सब मेरी माँ का श्राप है, इसकी बदवाए है। माफ कर दे माँ, मैंने तुझे बहुत दुख दिया माँ। मैं चाह रहा हूँ मैं मर जाऊंगा माँ, मैं मर जाऊंगा। कमल, कमल भगवान के लिए ऐसा ना कहो, कमल भगवान के लिए ऐसा ना कहो। तुम्हारी जगह मैं चली जाऊँ तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। कमल, कमल आइए। ये देखिए कौन आया है। अरे मौसी, कहाँ चली गई थी तू? हम तो तेरी तलाश में मारे मारे फिर रहे थे। पहले ये बता बेटा, कमल कैसे? कहीं पकड़ा तो नहीं गया? अभी तक पकड़ा तो नहीं गया मौसी, लेकिन बचेगा भी कैसे? ऐसा मत बोल बेटा, किसी तरह उसे बचा ले। मकान बेचकर 4,500 रुपए लाई हूँ। लेकिन मौसी, 4,500 से क्या होगा, रकम तो पूरे 7,500 है। 7,500 रुपए? हाँ। मेरे पास तो सिर्फ इतने ही रुपए हैं। अब मैं क्या करूँ? चिंता ना करो मौसी, बाकी का बंदोबस्त मैं कर देती हूँ। हैं? तू बंदोबस्त कर देगी? हाँ, देखती हूँ। लेकिन मौसी, तुम्हें ये कैसे पता चला कमल ने दफ्तर के पैसों में गड़बड़ी कर दी? भैया, जिस वक्त कमल भैया का मालिक उन्हें अपने घर में डांट रहा था, उस वक्त माँ और मैं दूसरे कमरे में खड़े सब कुछ सुन रहे थे। तुम लोग वहाँ थे? वहाँ तुम लोगों का क्या काम? क्या करोगे सुनकर बेटा? किस्मत ने उठाकर आसमान पर बिठा दिया और फिर वहां से ठोकर मारी तो जमीन पर लापटका। मैं समझा नहीं मौसी। क्या बताऊं बेटा, कमल के मालिक ने शारदा का हाथ मांगा था, मैंने हाँ कर दी। फिर? इतने में कमल वहां आ गया। मैंने सोचा भाई के पाप का दाग उम्र भर बहन के माथे लगा रहेगा, इसने चुपके से शारदा का हाथ पकड़कर गांव चली गई। ये बात थी, शारदा की तो जिंदगी बन जाती। ये लो बाकी के 3,000। 3,000? ये सब कहाँ से आए? आप ही के हैं, हर महीने खर्च के लिए जो आप मुझे देते थे उसी से बचा बचा कर कुछ रुपया मैंने जमा किया है। गीता, गीता बेटी, कहीं वो माँ मिल जाती मुझे जिसने तुझे जन्म दिया, तो मैं आज उसके चरण धोकर पी लेती। संतान हो तो ऐसी हो।
माँ जी, आप ही तो हैं मेरी माँ और कमल मेरे भाई। अगर मेरी पूंजी कमल भैया की इज्जत बचा सकती है तो बहन से ज्यादा खुशी किसको होगी। धन्य हो बेटे, तेरा सुहाग बना रहे। अच्छा माँ, उसे मैं चलता हूँ, कुमार बाबू का हिसाब कराऊ, कमल को खुशखबरी बाद में देंगे। मास्टर, 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 we are ruined. अबे हिंदी में बोल वरना छुट्टी के लिए तू ही एक बचा है, बाकी तो सबको निकाल दिया। साहब तुम बर्बाद हो गए। तुम बर्बाद हो गए? मेरा मतलब है आप बर्बाद हो गए। कल रात मुर्गी खाने में आग लग गई, मुर्गियां आग में भूल गई और अंडों के ऑमलेट बन गए। क्या कह रहा हूँ, पोल्ट्री खत्म। गंगा, हम बर्बाद हो गए। ये सब कैसे हो गया? मुझे क्या मालूम, मुर्गियां सिगरेट थोड़ी पीती है। अब तो हमको गलियों में भीख मांगनी पड़ेगी। भीख मांगे तुम्हारे दुश्मन। अब क्या होगा? सुनो, तुम फिक्र मत करो, हम कारोबार दोबारा शुरू कर देंगे। इस साल हर चीज दोबारा हो रही है, शादी दोबारा, पोल्ट्री दोबारा, और शायद मुझे जन्म भी दोबारा लेना पड़ेगा। अब तो सिवाय फांसी के और कोई चारा नहीं। नहीं, नहीं। मोना, मोना जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, मैं माँ के आने तक जिंदा रहना चाहता हूँ। जब तक वो मुझे क्षमा नहीं करेंगे मैं चैन से नहीं मर सकता, मैं चैन से नहीं मर सकता। मोना जल्दी जल्दी, मैं भी डॉक्टर को बुलाकर ला दूंगी। तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे कमल, तुम्हें कुछ नहीं होगा। गीता, गीता, गीता भाभी, गीता भाभी मुझे माफ कर दो, भूल जाओ पिछली बातों को। तुम्हारे भैया बहुत बीमार है। क्या कमल भैया बीमार है? बहुत बीमार है, घर में डॉक्टर की फीस के लिए पैसे भी नहीं है। मुझे कुछ रुपए उधार दे दो ताकि मैं डॉक्टर को बुला सकूं। भाभी, कमल भैया इतनी बीमार है तो पहला खबर क्यों ना दी? किस मुंह से आती गीता भाभी? चाहे तो ये जेवर रख लो लेकिन रुपए दे दो। लो मंगलसूत्र, तुम्हारे सुहाग के निशान। मोहना, गाली देती हो मुझे, पर उसका दुख दर्द बांटा जाता है, उसका सौदा नहीं किया। अच्छा तुम जाओ, कमल भैया के पास रहो, मैं भी डॉक्टर को लेकर आया। क्या हुआ भाभी? माँ जी कहाँ है? तुम्हारे भैया बहुत बीमार है। भैया बीमार है? हाँ, माँ जी को याद कर रहे हैं। भगवान के लिए बता दो माँ जी कहाँ है। माँ, माँ, क्या है? क्या? माँ जी, मैं आपसे भीख मांगने आई हूँ, निराश ना लौटाना। भीख मांगने आई है तू? एक भिकार? ऐसा ना कहो माँ, मेरे सर पर आशीष का हाथ रख दीजिए, आशीर्वाद मांग रही। भगवान करे तेरी गोद हरी हो, चांद सा लड़का उसमें खेले, परवान चढ़े, सेरा बांधे और तेरे जैसी बहू लेकर घर में आए, और फिर वो बहू तेरा बेटा तुझसे छीन कर ले। नहीं, नहीं, ऐसा न कहो माँ, ऐसा न कहो। वो बहुत बीमार है माँ, वो बहुत बीमार है, बेहोश पड़े हैं, तुम्हें याद कर रहे हैं माँ। चलो जल्दी चलो माँ, जल्दी चलो। बेटे के बीमारी का बहाना फिर बना माँ के दिल से खिलने आई है माँ। मैं आपके दिल से खिलने नहीं आई, मैं अपने सुहाग की सौगंध खाकर कहती हूँ माँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलती माँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ माँ। एक बात के लिए माँ, एक बात के लिए चलो, एक बात के लिए चलो। नहीं भगवान, माँ के होते हुए बेटे को कुछ नहीं हो सकता। उठ बाबू, जल्दी जाना। देख मैं आ गई हूँ भैया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे लाल को? ये आंखें खोकर मेरी तरफ देख भैया। धीरे से बात कीजिए, चिंता की कोई बात नहीं, दिल पर किसी बात से धक्का पहुंचा है, ठीक हो जाएंगे। माँ, 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 मैं बिल्कुल अच्छा हो जाऊंगा माँ, मुझे कोई बीमारी नहीं माँ। शाटा, शाटा मेरे पास आओ, मेरे पास आओ।
अच्छा मिसिस मेहरा, मैं चलता हूँ। एक आध घंटे के बाद खबर दीजिएगा कि मिस्टर मेहरा की तबीयत कैसी है। मिस्टर कमल मेहरा ने दफ्तर का बंद किया है, मैं उन्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। नहीं, कौन है वो जो मेरे होते हुए मेरे निर्दोष बच्चे का हाथ भी छू सके? इसका फैसला तो अदालत करेगी, मुझे अपना फर्ज अदा करने दीजिए। नहीं, मेरे कमल के हाथों में हाथ गिरी पहनाने से पहले मेरी आंखें निकाल दीजिए, मेरी आंखें निकाल दीजिए। मैं मजबूर हूँ माजी, मैं मजबूर हूँ। इंस्पेक्टर साहब ठहरिए, इंस्पेक्टर साहब जल्दी मत कीजिए, कमल बीमार है। तो मैं एम्बुलेंस मंगवा देता हूँ। जवाब नहीं, अरे भाई एम्बुलेंस किसके लिए, यहाँ तो सबके हाथ पांव सलामत है। हाँ कुमार साहब, जवाब नहीं आपका, हाउ डू यू डू। आप भी कमाल के आदमी हैं, सुबह फोन, शाम को फोन, रात को फोन, लेकिन आप तो फोन पर मिलते ही नहीं। कोई खास काम था मुझसे? जवाब नहीं, तुम्हारा भी और तुम्हारे काम का भी। हाँ भाई, बड़े आदमी जो ठहरे। अरे भाई साहब, आपने जो बीमा करवाया था ना, उसकी किस्त की रसीद देनी है आपको। रसीद? लेकिन इंस्टॉलमेंट के 7,500 रुपए की रकम तो मैंने अभी तक भरी नहीं, फिर ये रसीद कैसी? दौलत ज्यादा हो तो आदमी अक्सर भूल ही जाता है। कुमार साहब, उस दिन आपने मुझसे नहीं कहा था कि कमल से 7,500 रुपए ले लेना और किस्त भर देना? तो मैंने कमल से रुपए लिए और आपके नाम से इंश्योरेंस कंपनी में जमा करवा दिए। ओह आई सी, तो वो रुपया कमल ने भर दिया था, अब याद आ गया। जवाब नहीं, तुम्हारा भी और तुम्हारी याददाश्त का। अरे तो क्या मैं रसीद मुफ्त में दे रहा हूँ? मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं तो समझ रहा था कि कमल ने अमानत में खयानत की है, इसी सिलसिले में इंस्पेक्टर साहब उसे गिरफ्तार करने आए। वाह रे दुनिया वाह वाह, एक तो बेचारा कमल तुम्हारी किस्त भरे, ऊपर से जेल खाने की हवा भी खाए। वो रसीद मुझे दिखाइए। हाँ आप भी तसल्ली कर दीजिए। कुमार बाबू, गलती आपकी थी और सजा किसी और को मिल रही थी। I'm sorry, अफसोस करने से बात अपनी हो जाएगी कुमार साहब, पुलिस की तरफ से आप पर धारा 182 के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा। माफ कीजिएगा कमल बाबू, मैंने आपको यही परेशान किया। क्यों प्रेम बाबू, है ना सच बात? कहिए मर गई आपकी नानी? हा? अब यहाँ क्यों आप खड़े? इससे पहले कि मैं आपकी कानी और लंबे दांत का बीमा कर दूं, यहाँ से प्रेम पूर्वक पधारिए। भगवान ने कहिए कुमार बाबू कैसी रही? अरे जवाब नहीं तुम्हारा, आज माने हो प्यार, आखिर हूं ना इंश्योरेंस एजेंट। परफेक्ट। बड़ा शुभ दिन है आज का, मैंने कहा क्यों ना एक अधूरा काम भी पूरा कर दिया जाए। हाँ जी, गीता जी ने सच ही कहा। प्यारे तुम मेरा मुखड़ा क्या देख रहे हो, फौरन माता जी के चरण छू। चलो चलो चलो, जीते रहो बेटा जीते रहो। हाँ शारदा रानी शर्मा रही है। कुमार बाबू यार, तुम बड़े लकी हो जो तुम्हें ऐसी दुल्हन मिली, अब फौरन इसका इंश्योरेंस करवा लो, नहीं तो नजर लग जाएगी भैया हमारे कारण। अरे एक ही झटके में गंगा पार, गर्दन अंदर और दम बाहर। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। क्या करो जय किशन भाई, बात ये समझ लो कि मुर्गी के साथ मेरी भी मौत आई। आने दो फंदा, जाने दो गर्दन। नहीं नहीं, ऐसा अभी करता हूँ पुलिस को टेलीफोन। आत्महत्या करके तू हमारे इंश्योरेंस कंपनी को धोखा देना चाहता है? अरे अभी तो तूने पहले किस भरी है, दूसरी नहीं भर सकता, इसीलिए तो जान दे रहा हूँ। आने दो फंदा, जाने दो गर्दन। नहीं नहीं, तुम्हें दौलत चाहिए ना? नहीं फंदा, फॉर दिस स्वीट गर्दन। अरे फंदा, जाने दो गर्दन। नहीं नहीं, उतारो भैया, जल्दी चलो नीचे, उतार नीचे। अरे ये भी आइडिया है, थैंक यू। लटक के मरने से
बैठ के मरना अच्छा, फंदा भी कहने दो प्लीज। उठ नहीं, उठो उठो, कोई दूसरा ही देगा। उधर चलो। हाँ भैया, लक्ष्मी माता से प्रार्थना करो। लक्ष्मी माता, मैं दिल से यही चाहता, जल्दी बैंक में खुलवा दो खाता। अरे वाह, रियल चंदे का रुपया एडवांस में। रुको रुको, मैं और मांगता हूँ। अभी लक्ष्मी माता मूड में है, और आने दो लक्ष्मी माता, और आने दो प्लीज।